पुणे जाने से पहले आनंदीबाई से मिलते हैं और उनको माधवराव और गोपिका पर नजर रखने को कहते हैं। राघोबा जब उत्तर भारत की तरफ चल पड़ते हैं तो गोपिका को तसल्ली हो जाती है, लेकिन महाजी के बारे में माधवराव चिंतित रहते हैं। रंजनगढ़ पहुंचने पर राघोबा महाजी को राणा से फिर से चौथ वसूल करने को कहते हैं और ये आदेश देते हैं कि जब तक वे चौथ वसूल नहीं करेंगे तब तक उनके लश्कर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस आदेश से महाजी क्रोधित हो जाते हैं। उज्जैन में जब चिमनाबाई को अपनी बहू जमुनाबाई के गर्भवती होने की खबर मिलती है तो वो खुशी से फूली नहीं समाती। इस खबर से महाजी भी बहुत खुश होते हैं और फौरन उज्जैन के लिए चल पड़ते हैं। उज्जैन पहुंचने पर उनको अपनी पत्नी के गर्भ गिरने की खबर मिलती है तो उनको दुख तो बहुत होता है, लेकिन साथ ही पत्नी की जान बच जाने की खुशी भी होती है और इसीलिए वे जमुनाबाई के सामने कोई चिंता नहीं प्रकट करते। उधर अहिल्याबाई महाजी को लश्कर की तनख्वाह के इंतजाम हो जाने का आश्वासन देती है। चंपा अपनी माँ से मिलकर थोराक से उसकी असलियत उगलवाती है जिसकी खबर वो इंगले के दरबान को देती है। जब महाजी को यह खबर मिलती है कि राणा ने उन पर हमला कर दिया है तो वो राणे खां को उनके पास समझौते के लिए भेजते हैं और जब ये सूचना राघोबा को मिलती है तो वे महाजी को बागी करार देते हुए उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। महादेव सिंधिया ने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो श्रीमंत रघुनाथ राव का अन्याय है जो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम जानते हैं, यहां आने से पहले हमें इस बात का डर था कि रघुनाथ राव सिंधिया परिवार से अपनी पुरानी दुश्मनी जरूर निकालेंगे। अगर उन्होंने महाजी को कड़ी से कड़ी सजा भी दे दी तो हमें कोई हैरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि महाजी को सजा देना मराठा रियासत के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। गुस्ताख, बगैर हमारी इजाजत तुम अंदर कैसे आए? सेनापति जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, ये श्रीमंत रघुनाथ राव का हुक्म है। श्रीमंत का हुक्म? लेकिन क्यों, इल्जाम क्या है? ये तो वही आपको बताएंगे, उनसे मिलने तक आप यही नजरबंद रहेंगे, न आप किसी से मिलेंगे न कोई और आपसे मिलेगा। चलो। राणे खान साहब, श्रीमंत रघुनाथ राव का हुक्म है कि अंदर कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये हमारा पड़ाव है और हमें अपने सेनापति महाजी सिंधिया महाराज से मिलना है। वो नजर बंद कर लिए गए हैं। नजर बंद कर लिए गए? किसने नजर बंद किया? किसकी जरूरत हुई जो हमारे सेनापति को नजर बंद करने का ख्याल भी अपने दिमाग में ला सके? वो माइक का लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो हमारे सेनापति को नजर बंद कर सके। उन पर तो क्या, उनके साये पर भी नजर नहीं डाल सकता। भग जाओ। मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते, ये श्रीमंत से बगावत होगी। कौन श्रीमंत? कैसा श्रीमंत? जो पेशवाजी महाराज का वफादार नहीं हुआ, अपने सरदारों की इज्जत का ख्याल नहीं, वो सिर्फ एक चीज का हकदार है और वो है बगावत। भग जाओ, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। हमें कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं है? क्या हो रहा है ये सब? महाराज, मेरे होते हुए आपको कोई नजरबंद नहीं कर सकता। सेनापति जी, उच्च सेनापति श्रीमंत रघुनाथ राव ने आपको अभी याद किया है। कहाँ? दरबार में, वहां सब सेनापति मौजूद हैं।
राने खान, हम चाहते हैं तुम हमारा इंतजार कर लो और तुम्हें कसम दिलाकर चाहते हैं कि तुम रघुनाथ राव की तरह अपनों के खून से हाथ न रंगना। जय हो श्रीमंत। सरदार महाजी सिंधे हाजिर हैं। प्रणाम श्रीमंत। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जो आज्ञा श्रीमंत। सरदार महाजी सिंधिया, आप पर गद्दारी, बगावत और दुश्मन के साथ मिल जाने का इल्जाम है, क्या आपको कबूल है? कबूल। दुनिया का हर इल्जाम कबूल है, पर ये नहीं जो आपने लगाए हैं। आपने सरदार राणे खां को राणा के पास भेजा, क्या ये सही है? सही है। इसके लिए हमारी या श्रीमंत की इजाजत ली? नहीं। बिना उच्च सेनापति की इजाजत के दुश्मन से मिलना जुर्म है, जानते हैं? जानते हैं। तो आप ये भी जानते हो कि आपने जुर्म किया? सजा सुनाओ इन्हें। कैसी सजा श्रीमान? मेरे जुर्म का ताल्लुक मेरी नियत और मेरे धर्म से है। धर्म से? जी हाँ, धर्म से। मैं पेशवा जी का सेवक हूं और अपने लश्कर का सरदार। पेशवा जी की साख कायम रखना और अपने लश्कर की जान बचाना दोनों मेरा धर्म है और मैंने यही धर्म निभाए। राणा से मिलकर? हाँ श्रीमान, आप ही ने तो ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं चौथ लाकर नहीं दूंगा मेरे सिपाहियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वे 8 महीने से बिना तनख्वाह है। अब पानी नहीं है, क्या मैं पानी की कमी, इतनी गर्मी और ऐसी गोलाबारी से अपने लश्कर को मर जाने दूं? महाजी की यह बात सही है। मेरी दूसरी बात भी सही है। अगर हमने फौरन राणा से चौथ नहीं ली तो यह बात फैल जाएगी कि हम में दम नहीं है, फिर हमें कोई एक टका तक नहीं देगा। मैंने राणा को तैयार किया है कि अगर श्रीमंत को चौथ छोड़ दे तो वो बाकी दे देगा। इससे पेशवा महाराज की शान और साख दोनों रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक। इससे पहले भी महाजी ने बिना लड़े चौथ वसूल की है और आप भी इनके साथ शामिल थे। आपको तो हमने माफ कर दिया, लेकिन इन्हें माफ नहीं करेंगे। दूसरी बार किया है इन्होंने ऐसा कि कम चौथ लेकर यहां के राजाओं को अपने साथ मिलाकर पुणे से अलग होकर यहां पर अपना अलग राज्य कायम करना चाहते हैं। यह झूठ है। यह झूठ नहीं है। क्या यह भी झूठ है कि आप अपना लश्कर लेकर टोके तक गए थे और चुपचाप मेरे भतीजे माधवराव से मिले थे? श्रीमंत, मैंने उनके आदेश का पालन किया था। आप पर लगाए सारे जुर्म साबित हो चुके हैं, इसीलिए आपको सजाए मौत की जाती है। नहीं श्रीमंत,
मराठा इतिहास में सिर्फ दो सरदारों को सजाए मौत दी गई थी, और वो भी तब जब साबित हो गया था कि वो दुश्मन से मिले हुए थे और उनकी तरफ से लड़े थे। मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया श्रीमान, न मैं दुश्मन से मिला हूं और न उसकी तरफ से लड़ा। अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो फैसला आप नहीं पुणे दरबार करेगा, उस पर पुणे दरबार में मुकदमा चलाया जाए। नहीं, हम मुकदमा चला चुके हैं और हमने सजा दे दी। आपने सजा नहीं दी है श्रीमान, बदला लिया है। इस बात का कि मैं श्रीमंत पेशवा से उनके हुक्म पर क्यों मिला, मैंने अपने लश्कर को गर्मी में प्यास और बिना तनख्वाह के भूख से क्यों नहीं मर जाने दिया। अब अगर आप राणा से चौथ वसूल करेंगे तो मेरे रास्ते पर चलकर करेंगे, किसी और तरह नहीं। ले जाओ इन्हें यहां से। नवरात्रि खत्म होते ही सारे लश्कर के सामने इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। ले जाओ। हाथ मत लगाना, मेरी तरफ पड़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे और मेरे सामने उठने वाले सर कलम कर दिए जाएंगे। हम अगर मौत की तरफ जाएंगे तो तुम नहीं, हमारा फैसला खुद लेकर जाएगा। और आपका फैसला? श्रीमान, आपके इल्जाम बेबुनियाद हैं और जो सजा आपने मुझे दी है उसका आपको कोई इख्तियार नहीं। अगर मेरे लश्कर को पता चल जाए कि मैंने सजा स्वीकार नहीं की तो मुझे बचाने के लिए वो आपका और आपके इस लश्कर का खून तक बहा सकता है। मैं अपना खून बहा सकता हूं लेकिन पेशवा पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। यही मेरी खता है, यही मेरी स्वामी भक्ति है जिसका बेजा फायदा उठाकर आपने मुझ पर इल्जाम लगाया और मैं कबूल कर रहा हूं ताकि हमारे लश्कर बचे रहें और मेरे नाम के आगे स्वामी भक्त और पीछे आदर्श सेनापति लिखा जाए। महाराज जी के साथ जितने सरदार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जो आज्ञा श्रीमंत। श्रीमंत, महाराज जी की महानता को देखिए और अपने को देखिए। आप मराठा सेना की परंपरा धप्पा लगा रहे हैं। हम नहीं मानते। रघुनाथ राव चाहे कोई भी हो, मैं अपने सेनापति महाजी सिंधिया को किसी से कम नहीं समझता। महाराज को गिरफ्तार करने का उन्हें कोई हक नहीं। हम महाजी सिंधिया के सरदार हैं, हम उनकी गिरफ्तारी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है? सेनापति महाजी सिंधिया जैसे इंसान को गिरफ्तारी का कोई कारण हो ही नहीं सकता। अगर रघुनाथ राव ने उन्हें सजा दी तो मैं अब लड़ने से कोई फायदा नहीं। महाजी सिंधिया को सजाए मौत दी जा चुकी है। तुम उस तरफ जाओ।
हमने सारे पहरेदारों को बांध कर रखा है, रास्ता साफ है, घोड़ा तैयार है। दुश्मन से भागना बहादुरी नहीं है, उसका मुकाबला करना बहादुरी है। महाराज ये जोश का नहीं होश का वक्त है। आबा पुरंदरे ने हमारे सारे कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आप तक पहुंचा हूं। फिर तो हम इस खेमे से बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। अपने वफादारों की बलि देकर अपनी जान बचा लेना बहादुरों का नहीं बुजदिलों का काम है रानी खान। महाराज रघुनाथ राव आपके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। हम जानते हैं दुश्मन के हाथों आने वाली मौत बहादुरों के लिए इज्जत की मौत होती है रानी खान। हम नहीं चाहते कि कल लिखी जाने वाली तारीख में हमें बुजदिल या भगोड़ा लिखा जाए। अगर विधाता की यही मर्जी है कि हमारी छाती पर गोलियां बरसें तो यही सही। ठीक है महाराज, यह वफादार भी आपके साथ ही रहेगा। आपकी छाती में उतरने वाले गोलियों को पहले इस नमकखार की छाती से गुजरना होगा। नहीं रानी खान, नहीं। अगर हम मारे जाएं तो तुम्हें हमारी जगह संभालनी है, हमारे लश्कर का सेनापति बनना है, हमारे अधूरे काम पूरे करने हैं। नहीं महाराज, नहीं, उससे ये काम नहीं होगा। तो रानी खान, ये एक भाई की भाई से गुजारिश नहीं है, एक सेनापति का अपने मातहत को हुक्म है। इससे पहले कि दुश्मन तुम्हारा रास्ता रोक ले, तुम यहां से निकल जाओ रानी खान, तुम यहां से निकल जाओ। माने हमेशा उल्टे लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि मेरा महात बहुत जिएगा, बड़ी लंबी उम्र होगी उसकी, और कोई अच्छी खबर आएगी। भगवान करे आपका कहा सच निकले। उसे एक नहीं दो कंगन दूंगी, उसे इतना कुछ दूंगी कि ये तुम्हारे लिए नहीं भाई सरकार, सेनापति सरकार सूबेदार बन जाए हमारे लिए वही सबसे बड़ा इनाम। जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बस किसी तरह उस धोखेबाज की बीवी बच्चों को ढूंढ निकालो, वो मिल गए ना तो उस बदमाश की साजिश का भांडा फूट जाएगा। बस सब कुछ चोरी छिपे करना, उन्हें पता चल गया ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी हर आज्ञा का पालन किया जाएगा भाई साहब। अच्छा महाराज, मेरे पति का कष्ट निवारण करो, उनका कल्याण करो। वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, उनकी रक्षा करो। कन्या माँ साहेब आप माँ साहेब
वो सूबेदार तो बन जाएंगे ना। इतने दुख देखे हैं जमुना, कि सुख हमारे लिए जाड़ों की धूप बन गया है, जो कब आती है कब चली जाती है पता नहीं लगता। ऐसा ना कहिए माँ साहेब, मंसूर शाह बाबा ने कहा है उत्तर में वो तारे की तरह चमकेंगे। जरूर चमकेंगे, लेकिन इस समय तुम अहिल्या बाई के पास जाओ, फौरन इंदौर। अहिल्या बाई के पास? ये खबर जल्द से जल्द महत को पहुंचानी है। अहिल्या बाई के पास होलकर जी के हर कार्य रोज आते हैं। दूसरा, अब इंगले पुणे में नहीं है, लेकिन होलकर जी के जासूस पुणे में रहते हैं। कहना वो जासूसों से कहकर उस कपटी थौराट की बीवी बच्चों का पता लगाए। आप भी चलेंगी? नहीं, होलकर जी की पत्नी गौतमा बाई जिंदा होती तो चली जाती। अहिल्या तुम्हारी उम्र की है, सुना है पेशवा माधवराव की पत्नी रमाबाई उसकी सहेली है, उसे बड़े उपहार भेजती है। तुम भी कोशिश करना कि रमाबाई से तुम्हारी भी। हमें क्यों उपहार भेजना है माँ साहेब? जमुना, मेरा बेटा भट्टी की आग में जल रहा है, तब कर निकलेगा तो कुंदन होगा। आज पेशवाओं का जो खजाना खाली है वो उसे भरेगा। तुम तैयारी करो, तुलाजी पवार के साथ ही चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा, कल पूरनमासी है, कल ही चली जाती हूँ। ठीक है, मैं तुलाजी पवार से कहती हूँ वो यहाँ से भी किसी को महत के पास भेज दे। जी। राम दूत मैं माँ तु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधानकी, ये मुद्रिका माँ तु मैं आनी, दीनी राम तुम कहे सही दाने। क्षमा कीजिए भाई सरकार, उज्जैन से जमुना बाई साहब पधारी हैं। जमुना बाई सरकार यहाँ? कुशल तो है ना? जी हाँ, बड़ी खुश दिखती हैं। उन्हें मेहमान खाने में ले चलो, हम आते हैं। जी भाई सरकार। आप आई, मैं धन्य हो गई। कैसे आना हुआ? एक खुशी की खबर है, वो जो कहता है जानको जी है, वो जानको जी नहीं है, छलिया है। असली नहीं है वो? नकली है। विठल जी थोराट उसका नाम है। राघोबा दादा के किसी सरदार ने ये खेल रचा है। एक नाचने वाली है चंपा बाई, उसी से पता लगवाया है। सिंधिया महाराज को बतला दिया? आदमी भेजा है, मगर माँ साहेब ने कहा है कि आपको बता दूं, आप जल्दी खबर भिजवा देंगी। क्यों नहीं, कल ही हमारा आदमी जाएगा। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको और हम सबको। उनकी सूबेदारी का दावा पेशवा जी के पास है, आप होलकर महाराज जी से कहिए, हो सके तो उनका दावा। जानती हूँ कितना अन्याय हुआ है उनके साथ, किस यातना से गुजर रहे हैं, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। आप एक चिट्ठी लिख दीजिए। चिट्ठी? क्यों, किसे? श्रीमंत पेशवा जी महाराज की पत्नी रमाबाई को। मैं उन्हें वो चिट्ठी भेज दूंगी। अच्छा, बहुत दयालु हैं। भाई सरकार, भाई सरकार, होलकर महाराज जी के दूत आए हैं, कहते हैं इसमें आपके लिए एक जरूरी खबर है।
होलकर महाराज ठीक तो है ना? बात उनकी नहीं, सिंधिया महाराज की है। क्या हुआ उनको? क्या हुआ है उनको बताइए ना इंदिया भाई, क्या हुआ? सिंधिया महाराज को रघुनाथ राव ने कैद कर लिया है। तुम्हें ये बात नहीं बतानी थी कि महाजी गिरफ्तार हो गए हैं। होलकर महाराज ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि महाजी की गिरफ्तारी की बात किसी को ना बताई जाए। महाजी गिरफ्तार हो, जमुना यहाँ हो और मैं उसे न बताऊं, ये भला कैसे हो सकता है? फिर उन्हें तो मौत। ये तो नहीं बताया? जी नहीं। बताना भी मत। जो गिरफ्तारी की खबर सुनकर बेहोश हो गई है वो ये खबर कैसे सुन पाएगी? ऐसा न कहिए, कुछ नहीं होगा महाजी को। आबा साहब ने चिट्ठी में लिख दिया है वो और विंसुर का रघुनाथ राव को मिलेंगे, उन्हें समझाएंगे। रघुनाथ राव को? जन्मा है कोई जो उसको समझाएगा? और वो आनंदी बाई, वो तो इस राज्य के एक एक वफादार का सत्यानाश करवाएगी। लेकिन मौत की सजा रघुनाथ राव कैसे दे सकते हैं? ये तो पेशवा जी ही दे सकते हैं। वो भी तो पेशवा है जो अपने बड़े भाई के खाने में जहर मिला सकता है, और अपने भतीजे माधवराव पेशवा की जान के पीछे पड़ा है, वो क्या नहीं कर सकता? सरकार, आप यहाँ? मुझे जाना है वहाँ। कहाँ? जहाँ वो है, और वो है जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है। आप इतने दूर से आए हैं, वैजी पूरा आराम करने को कह गए हैं, इसलिए आपका वहाँ जाना? जाना है, बस मुझे जाना है, उसे देखना है जिसने उन्हें गिरफ्तार किया, दूसरी बार हम पर वार किया। आप मुझे नहीं रोकेंगे, आपको कसम है। हमने काका साहब को पुणे से दूर इसलिए भेजा कि हम चिंताओं से और समस्याओं से बचे रहें जो वो समय समय पर हमें भेजा करते थे, लेकिन इतने दूर जाकर भी वो हमें निशाना बनाने से नहीं चुके। रघुनाथ राव अपने आप को सचमुच पेशवा समझने लगे हैं, मनमानी करने लगे हैं। उन्हें किसी को भी सजाए मौत देने का अधिकार नहीं है। श्रीमंत, यह अधिकार सिर्फ आपका या न्यायमूर्ति राम शास्त्री जी का है। हम यह अधिकार रखते हुए भी महाजी सिंधिया जैसे मराठा सपूत को कभी सजाए मौत न देते। हमको ये तो पता था कि वहां जाकर वो महाजी को परेशान करेंगे, लेकिन इतना परेशान करेंगे इसका हमें पता नहीं था। पता नहीं उनको सरदार महाजी सिंधिया से क्यों इतनी दुश्मनी है। महाजी को मौत की सजा नवरात्रि के बाद दी जाएगी, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। कोई संदेशवाहक दिन रात सफर करे तो ठीक समय पर वहां पहुंच सकता है। नाना, हमारी ओर से काका साहब को तुरंत एक पत्र भेजा जाए। जी श्रीमंत। हम उनके भतीजे नहीं, उनके पेशवा के हैसियत से आदेश देते हैं कि हमारा पत्र मिलते ही महाजी सिंधिया को रिहा कर दिया जाए, और भविष्य में किसी भी सिपाही, सरदार या सेनापति को सजाए मौत ना दी जाए, वरना मराठा सेना में बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी और बगावत का बीज पड़ जाएगा, जो उत्तरी हिंदुस्तान में हमारी किसी भी मुहिम के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। जाइए।
पत्र अभी लिखिए और तुरंत भेजिए। जो आज्ञा श्रीमंत। कितना बोझ है और कितनी देर तक उठा सकता हूं। सच कितनी हल्की है कि लगता है एक नहीं कई जन्म तक उठा सकता हूं। इतनी दूर तक ले जा सकता हूं जहां जमीन और आसमान मिलकर एक हो जाते हैं। इतना ऊपर तक ले जा सकता हूं जहां जाकर आप हाथ बढ़ाओ तो चांद सितारे आपके हाथ में आ जाएं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां की आशीर्वाद में कर्म भी होता है, धर्म भी और यश भी। जो भी करो वृक्ष की तरह सर ऊंचा रहे, तुम्हारा भी, मेरा भी और इस धरती का भी जिसे तुम्हारा नाम जुड़ा है। आप मुझे लौटाने आए थे अभी लश्कर पर खर्च कीजिए। जब पुणे से सरंजाम और सुबेदारी लेकर आएंगे तो लौटा दीजिए। क्या हो रहा है? अल्लाह राव होलकर, इन चूरकर, ये क्या बकवास है? हमने घेराव किया है श्रीमान, आप आगे नहीं जा सकते। घेराव? तुम होते कौन हो? हटो! हम आपके सेनापति हैं श्रीमान। हमें श्रीमंत बाजीराव जी पेशवा ने अधिकार दिया है कि अगर कोई सेनापति विवेक की बात न माने तो हम उन्हें घेर कर बैठ सकते हैं। कोई है? आज कोई नहीं आएगा श्रीमंत। हमने आपके सिपाहियों को सब बता दिया है। तुमने इन्हें बगावत पर भड़का दिया। बगावत तब भड़कती है जब अन्याय होता है। चाहते क्या हो तुम? महाजी सिंधिया को दी गई मौत की सजा रद्द कर दी जाए। बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर बाद उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। मृत्यु दंड देने का अधिकार आपको है या नहीं इसका फैसला पुणे में किया जाएगा। मैं अपनी सजा वापस नहीं लूंगा। जबरदस्ती करेंगे तो आपके लिए बुरा होगा। क्या कर लोगे तुम? मंजूर कर जी, बता दीजिए इन्हें। इनके पास सबूत है कि आप निजाम के दूत शिवाजी जाधव से दो बार मिले। आपके दो संदेशवाहक ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के पास मुंबई गए, फिर आपसे मिलने मेजर कौन आए, और इसका सबूत हमारे पास है। मैं नहीं डरता, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जो चाहे कर लो। आपको अपना हुक्म रद्द करना ही होगा श्रीमान। हम एक बार पहले भी कह चुके हैं और अब फिर कहते हैं कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। Om Namah Shivaya।
शिवाय। सेनापति सरकार, हमें खेद है, समय हो गया है। हमें खुशी है कि समय आ गया है। ये वस्त्र लाया हूं, आप पहन लीजिए। तुमने दे दिए, हमने ले लिए, पर हम पहनेंगे नहीं। चलो। मैं अब भी कहता हूं मत करो ये बेवकूफी, भाजी तो मारे जाएंगे। आप लोग क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? गुंगे हो गए हो क्या? बोलती क्यों नहीं कुछ? तुमने काला टोप और काले कपड़े क्यों नहीं पहने? बांधने की रस्सी कहां है? भड़के, काला टोपा तो वो पहनते हैं जिन्हें मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने से डर लगता है। कैदियों के कपड़े वो पहनते हैं जिनकी छाती तलवार की धार और गोली के निशाने से खौफजदा होकर कपड़ों में पनाह लेती है। रस्सियों में वो बनते हैं जिनके कस बल निकल चुके होते हैं और जो मौत से डरते हैं। महाजी सिंधिया पर लगा हुए आरोप और मौत की सजा हम वापस लेते हैं। तुम्हारी भाभी सरकार आई हैं? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। आइए आइए। भगवान मेरी मां का सिंदूर सलामत रखे। तुम्हारी जबान से ये शब्द निकलने से पहले भगवान ने तुम्हारे दिल की बात सुन ली।
ये बताइए आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ? आप गिरफ्तार जो हो गए थे, फिर यहाँ आकर राणे भाई से पता चला कि आपको मौत की सजा सुना दी गई थी। ये सब सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। ये सब तो काका साहब की कृपा थी जो मैं रिहा हो गया। और ये मंजूर शाह बाबा की कृपा भी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है भाई सरकार। जाको राके साईया, मार सके ना कोई। हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है जिसके लिए भगवान उसे पैदा करता है। मेरी जिंदगी का भी एक लक्ष्य है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मुझे मौत नहीं आ सकती। मेरी आत्मा कहती है कि भगवान मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेने वाला है, महाराष्ट्र के लिए और इस देश के लिए भी। एक और खुशखबरी है, ये बात पक्की हो गई कि जिसने जानकोजी होने का दावा किया वो जानकोजी नहीं है। जो लड़की हमारी जासूस थी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नकली जानकोजी ने मान लिया कि वो असल में विट्ठल जी थोराट है, और ये बात उस नर्तकी ने हम तक पहुंचाई है। नर्तकी से उन्होंने ये भी कहा था कि आपको विरासत से महरूम करने के लिए ये ढोंग रचाया गया। रघुनाथ राव और श्यामराव फड़के की साजिश से विट्ठल जी थोराट ने दावा किया। हमें शक था कि जानकोजी होने का दावा करने वाले को रघुनाथ राव ने कठपुतली बना रखा है, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। मैं कहती हूं ये बात तुरंत श्रीमंत पेशवाजी को बता दी जाए। नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। हम पर कोई आरोप नहीं है जिसकी हम सफाई पेश करें। जीते रहो बेटे, शराफत इसको कहते हैं। तुम्हारे लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें तुम जैसा बेटा और ऐसी बहुएं मिली। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। नंदी, तुम यहां पुणे से अचानक कैसे आ गई? सूचना तो देती। सूचना ही देने आई। वो माधव राव, उसने नाना से खत लिखवा है। तुम तक पहुंचता ही होगा, उससे पहले मैं यहां पहुंची ये बताने कि उस महाजी सिंधिया को पकड़ लिया, ये तो अच्छा किया, लेकिन नाक को पिटारे में ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है। मार डालो, क्योंकि बचाने का परवाना आ रहा है। क्या कह रही हो? कभी तो ऐसी बात किया करो जो समझ में आ सके। नहीं आएगी। तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी काम या तो तुम करते नहीं या फिर आधा छोड़ देते हो। उस महात को सजा तो दे दी, फिर इतना समय क्यों लिया कि खबर पुणे तक पहुंच गई और वहां से हुक्म चल पड़ा कि उसे छोड़ दो। मैं यही कहने आई कि जितनी जल्दी हो सके उस महात को मार डालो। मैं उसे छोड़ चुका हूं। क्या? छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? किस लिए छोड़ा? किस बात पर छोड़ा? कौन है जिसने शेर के मुंह से शिकार छुड़ाया? होलकर, बिनचूरकर और वो खुद महाजी। उसने इल्जाम नहीं स्वीकार किया, मौत की सजा स्वीकार कर ली ताकि मराठों में आपस में लड़ाई ना हो, और कल को अगर किसी के सर पे खून का इल्जाम हो तो मेरे सर पर हो कि मैंने अपने सरदार को मार डाला। मैं मर गई। मैं तो क्यों मर गई? मेरे पतिदेव पेशवा, मेरे पतिदेव उच्च सेनापति, अरे जिस नाक को पकड़ के छोड़ा है उसका क्या करोगे?
वो तो तुम्हारी तस्वीर आंखों में लिए घूमता होगा। उछल दूंगा उसे भी और उसके बचाने वाले मल्हार राव होलकर और विंचूरकर को भी, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं? अभी क्यों नहीं? हाथों में मेहंदी लगी है। मेहंदी तो नहीं लगी। मेहंदी भी लगेगी और राज तिलक भी होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं कुछ जरूरी कामों में उलझा हुआ हूं। अभी तक रंजनगढ़ से चौथ नहीं मिली और उधर अवध का नवाब सुजाव दौला बिहार बंगाल छीनने के लिए अंग्रेजों से लड़ने जा रहा है। मदद के लिए कासिद भेजा है। ये तुम्हारा सुजाव दौला कासिद बहुत भेजता है, और कुछ नहीं भेजता। भेजेगा, अब के भेजेगा। अम्मी हुजूर की खिदमत में आदाब अर्ज है। खुदा उम्र दराज करे, नेक तौफीक दे, दौलत ओ इकबाल से नवाजे। बैठिए नूर चश्म। अम्मी जान, आपको बताते हुए बड़ी मसर्रत हो रही है कि शहंशाह शाह आलम और खाकसार ने फिरंगियों से जंग करने का फैसला कर लिया है। खुदा का शुक्र है, वतन की ललकार आखिर आप दोनों ने सुन ही ली। जी अम्मी हुजूर, ये वक्त का तकाजा भी है। अंग्रेजों ने हमारे मुल्क के पश्चिमी और पूर्वी साहिलों के बड़े इलाके पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन पहले हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा उनके चंगुल से निकालना चाहेंगे। आपके इरादे नेक हैं। हमने मराठों से भी मदद मांगी थी, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मराठों को अपने मुल्क और अपने वतन से बहुत प्यार है, वो आपकी जरूर मदद करते, लेकिन हमारा ख्याल है कि रघुनाथ राव और माधव राव के झगड़े उन्हें इस बारे में सोचने की मोहलत नहीं देते। अब हमारे पास भी इतना वक्त नहीं कि हम उनका इंतजार करें। कूच की घड़ी सर पर है, रवानगी के लिए लश्कर बेताब है। अम्मी हुजूर, आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है। आपसे इल्तजा है, दुआ में याद रखें। माँ की दुआओं का छत्र औलाद के सर पर हमेशा रहता है, लेकिन हम अपने लखते जिगर से ये भी कहेंगे कि सिर्फ दुआओं से बड़े बड़े फौजी और सियासी मसले हल नहीं होते, कामयाबी के लिए शातराना चालें भी जरूरी हैं। हम हथियारों के साथ साथ उनसे भी काम लेंगे। अब आप जिस दिन खैर से जंग के लिए रवाना हो और हमसे रुखसत लेने आए, तो हम आपको दुआएं भी देंगे और इमाम जामिन भी। शुक्रिया अम्मी हुजूर। क्या काम है सिपाही? सर, कोई मुनीरुद्दीन आपसे मिलने आया है। मुनीरुद्दीन? कौन मुनीरुद्दीन? यस यस, मुनीरुद्दीन। सेंड हिम इन, उसे अंदर भेजो। यस सर। आली जनाब कर्नल फ्लेचर बहादुर की खिदमत में बंदा आदाब बजा लाता है। वेल, हमको तुमसे मिलकर खुशी हुई। और मुझे भी आपसे मिलने की इज्जत हासिल हुई। हमको हमारे अफसरों ने खबर दी थी कि मुनीरुद्दीन नाम के एक आदमी जो शाह आलम के दरबारी हैं, लेकिन कंपनी बहादुर के जानिसार हैं, हमसे मिलने आएंगे और काम की खबर भी देंगे। इज दैट राइट? ये वही ना चीज है। कहो, क्या खबर लाए? हुजूर, शहंशाह को अंग्रेजों की दोस्ती का यकीन दिलाने की कोशिश हमारी जारी है। खूब, हम खुश हुए। जनाब, असली खुशी तो जब होगी जब एम्परर शाह आलम शुजाउद्दौला के खिलाफ हो जाएंगे। खुदा आपकी जुबान को मुबारक करे। नवाब मुनीरुद्दीन, हम अंग्रेज लोग हथियारों से ज्यादा अपने दिमाग से लड़ना पसंद करते हैं। अब तो शाह आलम और शुजाउद्दौला के दिलों में
नफरत की आग के शोले जितनी जल्दी बुलंद होंगे हमारी जीत उतनी ही जल्दी होगी। और हाँ, शाह आलम को मराठों के खिलाफ भड़काते रहना। आप यकीन कीजिए हुजूर, मैं इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। गुड, और तुम इनाम और इकराम की फिक्र मत करो। कंपनी बहादुर की तरफ से यह अशर्फियां तुम्हारे लिए हैं। खाकसार तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बस आप ये समझिए कि ये जंग जीत ही गए हैं। हमारे दुश्मन के पास फौज कितनी है, उसे कुमक कितनी पहुंच सकती है और कितने वक्त में, ये सब आप इसकी फिक्र ना करें। जंग छिड़ते ही बक्सर का मैदान, प्लासी का मैदान जंग साबित होगा। और मैं कोई ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि जिससे शुजाउद्दौला शाह आलम को अकेला छोड़ दे। हमें यकीन है मुनीरुद्दीन कि तुम अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से अदा करोगे। तुम्हारी खिदमत के सिले में कंपनी बहादुर ताहयात बहुत भारी पेंशन देती रहेगी। एंड वन थिंग मोर, यह खत कंपनी बहादुर की तरफ से एम्परर शाह आलम की खिदमत में। ओके, मां बदौलत ने शुजाउद्दौला को तलब किया था, वो नहीं आए मुनीरुद्दीन? जी नहीं हुजूर। हुजूर, तखलिया की दरख्वास्त है। तखलिया? हुजूर, कर्नल फ्लेचर बहादुर ने आपकी खिदमत में खत भेजा है। फिरंगी हमसे लड़ना नहीं चाहते? उनकी लड़ाई मीर कासिम और शुजाउद्दौला से है। सही है जहां पना, नवाब शुजाउद्दौला आलम पना के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो तो मीर कासिम अली खां को सूबे बंगाल दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए उनको 50 लाख रुपए दिए हैं। और शुजा ने हमसे छुपाया, हम जो उसके शहंशाह हैं, हमें धोखा दिया? क्या 10 साल पहले धोखा नहीं दिया था हुजूर, जब आप पटना में अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे और नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया था? तुम सही कहते हो, लेकिन क्या हम इस पर यकीन कर लें कि फिरंगी शुजा को हरा कर अवध का सूबा हमें सौंप देंगे, दिल्ली ले जाकर हमें तख्त पर बिठा देंगे? हुजूर, इससे आगे की देखिए हुजूर, अगर अवध का सूबा हमें मिल गया तो अकेले उसकी इतनी आमदनी होगी कि आप मजे से बैठकर दिल्ली में हुकूमत कर सकते हैं, और फिर दिल्ली की हिफाजत तो अंग्रेज करेंगे अगर हुजूर चाहें तो। हुजूर, नजीब साहब ने सपे सालार के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, अब उनकी जगह किसी ना किसी को तो तैनात करना ही होगा। मुनीरुद्दीन, नजीब खां की जगह किसी और को मुकर्रर करना तो दूर की बात है, ये हमारे दिल्ली पहुंचने के बाद होगा। सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? शहंशाह अली, मैं एक मशवरा देने की जुर्रत कर रहा हूं। आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग ना करें।
हम जंग करेंगे और जरूर करेंगे। हुजूर, जनाब मुनीरुद्दीन आपकी खिदमत में पेश होना चाहते हैं। उन्हें आने दिया जाए। जो हुक्म। आइए हुजूर। कैसे आना हुआ मुनीरुद्दीन? माशाल्लाह नवाब साहब, आप तो फिरंगियों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने की पूरी तैयारी फरमा चुके हैं। खुदा आपकी जबान मुबारक करे। आमीन आमीन। लेकिन नवाब साहब, आपने फिरंगियों के खिलाफ जिनसे हाथ मिलाया है वो अपने दूसरे हाथ से फिरंगियों का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो शायद आप समझना नहीं चाहते। समझाना तो आप नहीं चाहते जो पहेलियों में बातें कर रहे हैं। नवाब साहब, याद है चंद साल पहले शहंशाह शाह आलम ने आपके दुश्मन नवाब शेरजंग मोहम्मद कुली खां को आपके सूबे का हकदार तस्लीम कर लिया था, और उसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? हम गुजरे हुए कल के मातम से ज्यादा आज पर नजर रखना और आने वाले कल की फिक्र करना पसंद करते हैं। लेकिन आप हमसे ये गुफ्तगू करने क्यों आए? हम आपकी नीयत जान सकते हैं? बंदा अपने मुल्क और अपनी कौम से बहुत प्यार करता है, और मुझे इस बात का एहसास है कि आप भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। आप हरगिज नहीं चाहेंगे कि फिरंगी हिंदुस्तान पर हुकूमत करें। शहंशाह हिंदुस्तान और अंग्रेजों के दरमियान सुलह के लिए खतों खिताबत चल रही है। हमसे मशवरा किए बगैर यह मुमकिन नहीं। शतरंज खेलने वाले अपने मोहरों से पूछ कर चाल नहीं चला करते। गुजरे हुए कल का मातम न सही, आज की तो खबर रखिए, वरना आने वाला कल आपके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। नवाब साहब, बंदा गुस्ताखी की माफी चाहता है। मेरा मकसद आपकी दिल आजारी नहीं, खबरदारी है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन बहादुरों के कदम जब उठ जाते हैं ना रुकते हैं और ना पलटते हैं। अब जो खुदा दिखाएगा देखेंगे। हम देख रहे हैं कि तादाद में हमारा लश्कर बढ़ चढ़ कर है। इसमें तो कोई शक नहीं। शक अगर है तो इस बात में कि इस लश्कर की कामयाबी का झंडा कितना ऊंचा होगा, क्योंकि अंग्रेजों का फरेब उनके लश्कर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वो ढूंढ ढूंढ कर गद्दारों को खरीदते हैं। जी हां जिले इलाही, प्लासी में भी उन्होंने यही किया था। सुना है हमारी आस्तीन में भी कुछ सांप पल रहे हैं। पता भी तो चले कि वो जमीर फरोश हैं कौन। फिलहाल तो सिर्फ दुआ की जा सकती है कि खुदा हमें फतह नसीब करे, और वो दिन देखना नसीब करे कि आप दिल्ली के तख्त पर जलवा अफरोज हो। आमीन। मुगल लश्कर कोई 40,000 से कम नहीं, लेकिन उनकी ताकत 40 आदमियों से ज्यादा भी नहीं। वो कैसे कर्नल प्लेचर? हमारी जंगी चालों का शाह आलम के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्हें जंग का तो तजुर्बा ही नहीं। और वैसे भी मुनीरुद्दीन ने अपनी चालबाजी से
उनकी ताकत बेकार कर ही दिया है। तोप चलाने की तैयारी की जाए, तोप चलाने की तैयारी की जाए। लश्कर में यह हुक्म कर दिया जाए कि जलाल अकबरी की याद ताजा हो जाए। जो शहंशाह हिंद का इकबाल बुलंद हो। आलीजा, दुश्मन ने हमारे बाएं बाजू पर शदीद हमला कर दिया है। जिले सुभानी, हमारी तवज्जो हटाने के लिए दुश्मन की ये एक चाल है। सालार जसवंत सिंह को हुक्म दिया जाए वो अपनी जगह से ना हटे, दुश्मन के हमले का दंदा शिकन जवाब दिया जाए। तामील हो, हुक्म की तामील की जाएगी। अब दुश्मन का हमला दाएं बाजू से जरूर होगा। हुजूर बंदा परवर इजाजत दें तो मैं उधर का मोर्चा संभालूं। बेहतर। जहां बना अगर हुक्म हो तो मैं मैदान जंग में जाकर देखूं कि हमारी फौज ने दुश्मनों का क्या हाल कर रखा है। इजाजत है। शहंशाह भी नहीं। अपने हथियार डाल दीजिए योर मैजेस्टी। अब आप हमारी कैद में हैं। ले चलो इन्हें।
हुजूर नवाब साहब, उम्मीद के खिलाफ जंग का नक्शा बदलता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं, हमको एहसास है कि हमारे सिपाहियों के कदम उखड़ गए। गुस्ताखी माफ, हम ये जंग हार चुके हैं, यहाँ और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। जान है तो जहान है, हुजूर फौरन लखनऊ वापस तशरीफ ले चले, वहाँ बक्सर का बदला लेने और अवध की हिफाजत के बारे में गौर किया जा सकता है। लेकिन जिले सुभानी, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था और वो गिरफ्तार हो गए। लखनऊ चलने की तैयारी की जाए। हिंदुस्तान हमारी कैद में। और देखते ही देखते सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में। सर, शाह आलम का कत्ल कर दिया जाए? पागल हो गए हो क्या? ये फौजी नहीं, सियासी मामला है। शहंशाह हिंदुस्तान को हम अपने कब्जे में रखकर जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे करवा सकते हैं। अच्छा। हम इन्हें इलाहाबाद ले जाकर नजरबंद रखेंगे और इनके बारे में गवर्नर जनरल के फैसले का इंतजार करेंगे। बेचारा अकेला। सर, इनके दरबारियों को इनके साथ क्यों नहीं रख लेते? इनका जी बहला रहेगा। वो और मलिका हिंदुस्तान भी हमारी कैद में रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी हुक्मरान अपने दरबारियों की चापलूसी और खुशामत पर पलते और पढ़ते हैं, होलकर को पारा हो जाते हैं। <Cheers! laughs> To His Majesty The King of England. Cheers. Cheers. To the East India Company. Cheers. आज बंगाल के समुद्र से इलाहाबाद के संगम तक हिंदुस्तान की सरजमीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लहरा रहा है। प्लासी के बाद आज यह हमारी दूसरी बड़ी फतह है, लेकिन हमें जंग से ज्यादा अपने सियासी जोड़ तोड़ को इस्तेमाल में लाना चाहिए। हमने हिंदुस्तान के इलाकों पर कब्जा करने के लिए इसी मुल्क की दौलत से काम लिया है और हम इसी मुल्क से अपने काम आने वाले दिमाग भी हासिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, हमने अपनी कामयाबियों में ऐसे ही दिमाग इस्तेमाल किए हैं। हम और ढूंढेंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जमी फरोश, गद्दार और लालची हिंदुस्तानियों की हमें सख्त जरूरत है। खुशामदीद, खुशामदीद नवाब साहब। ये मौका खुशामदीद का नहीं, अफसोस का है कर्नल साहब। मैं उन 150 और मजलूम अंग्रेजों का पुरसा देने आया हूँ जिन्हें मीर कासिम ने धोखे से कत्ल कर दिया है। क्या? कहाँ है मीर कासिम? हम उसकी बॉडी बॉडी कर देंगे। शुजाउद्दौला की पनाह में। इसका मतलब इस साजिश में अवध के नवाब का हाथ है। हम अवध पर हमला करेंगे। हमने खुदाबंद करीम से दुआ मांगी थी कि वो आपको हमारे पास सही सलामत वापस ले आए, और आप सही सलामत आ गए। हम शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे। वापस तो आ गए अम्मी हुजूर, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी से हाजिर हुए हैं। हार जीत तो होती रहती है बेटे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारते, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। लश्कर हमारा बड़ा था, ताकत हमारी ज्यादा थी, दुश्मन पर हम भारी थे, फतह यकीनी थी।
फिर भी हमें शिकस्त हुई। उसकी वजह पर आपने गौर तो जरूर किया होगा। जरूर किया है। इसकी वजह थी गलतफहमी और गद्दारी। हमें लगता है कंपनी ने मुनीरुद्दीन को खरीद लिया है। मुनीरुद्दीन ने जिल्ले सुभानी और हमारे दरमियान गलतफहमी की एक दीवार खड़ी कर दी। हम दोनों अलग हो गए। यानी अंग्रेज अपनी शातराना चाल चल गए। जी, ये अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए हथियारों से ज्यादा अकल से काम ले रहे हैं। अफसोस कि इतना समझने के लिए हम हिंदुस्तानियों में इतनी अकल भी नहीं। अब आप जिल्ले सुभानी से मुलाकात करके अपनी बात और उनका दिल साफ कर लीजिए। उनके और हमारे बीच किले की एक दीवार है। अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर रखा है। उनसे बाहर वालों की मुलाकात पर पहरे लगा दिए गए हैं। सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। इसके सिवा और किया भी किया जा सकता है। अब अंग्रेज हमारी मुलाकात को आएंगे। मैदान जंग से जीतकर अब वो तावाने जंग वसूल करेंगे। पता नहीं कितने जिले मांगेंगे और कितने लाखों रुपए तलब करेंगे। ऐसे मौके पर सिर्फ मराठे ही काम आ सकते हैं। बक्सर की जंग का अंजाम तो रंजनगढ़ पहुंच ही गया होगा। आप रघुनाथ राव को मदद के लिए लिखिए कि वो फौरन एक लश्कर भेजें, जिसका खर्च अवध के खजाने से अदा किया जाएगा। मुनासिब। और उनसे खास तौर पर इल्तिजा कीजिए कि मराठा लश्कर के कमांडर महाजी सिंधिया जैसे तजुर्बेकार सिपाह सलार। हम आपके बुजुर्गाना मशवरे की दाद देते हैं। इस पर फौरन अमल किया जाएगा। प्लासी में हिंदुस्तान की आजादी का ताबूत तैयार हुआ और बक्सर में उस पर कील ठोक दी गई। हिंदुस्तान में फिरंगियों का झंडा ऊंचा होता जा रहा है। उनके कदम हमारे भविष्य की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। काका, हम हिंदुस्तानी विदेशियों से युद्ध में क्यों हार जाते हैं? इसका कारण है उनके जंगी ढंग और जंगी चालें हमसे बेहतर होती हैं। इसके अलावा अंग्रेजों की साजिशें भी बहुत खतरनाक होती हैं। बहुत चालाक हैं वो लोग। ये लोग हमारी नाइत्तफाकी के बारूद में आग लगाते रहते हैं। प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर से गद्दारी करवा दी। आप न जाने किसके जरिए शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच में फूट डलवा दी। अंग्रेजों ने शाह आलम को इलाहाबाद के किले में नजरबंद कर रखा है। अब तो उनको वहां से दिल्ली ले जाना और भी मुश्किल हो गया है। काका, पता नहीं क्यों मेरा दिल शाह आलम की तरफ खींचा जाता है। जी चाहता है उनके लिए कुछ करूं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बेटे। जब भी मुझसे बन पड़ेगा मैं शहंशाह की सेवा जरूर करूंगा। जरूर करना बेटे। दिल्ली के तख्त और ताज का मराठों के असर में होना बहुत जरूरी है। रघुनाथ राव के दिमाग में तो यह बात बैठेगी नहीं, लेकिन तुम श्रीमंत माधव राव को अपना हम ख्याल बनाकर शाह आलम की मदद को जा सकते हो। श्रीमंत रघुनाथ राव ने आप दोनों को अभी याद किया है। श्रीमंत की जय हो। विराजिए। नवाब वजीर शुजाउद्दौला बहादुर ने हमसे सहायता मांगी है। उन्हें डर है कि बक्सर के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज अवध पर हमला करने वाले हैं। हमें मालूम है श्रीमंत। 7 बरस में बक्सर और प्लासी की कामयाबी ने अंग्रेजों का दिल बढ़ा दिया है। अब वो अवध पर ही नहीं महाराष्ट्र पर भी हमला कर सकते हैं। महाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रीमंत, पुणे अंग्रेजों के 2 सूबों मुंबई और मद्रास के बीच है। इसीलिए हमें अपने फायदे के लिए भी
नवाब शुजाउद्दौला का साथ देना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। उन्होंने बक्सर युद्ध में हमसे सहायता मांगी, मगर कुछ मजबूरियों के कारण हम उनकी सहायता नहीं कर पाए। अब हमें यह मौका नहीं खोना चाहिए श्रीमंत। यह नवाब शुजाउद्दौला की नहीं, खुद अपनी मदद होगी। हम चाहते हैं कि सर अंजानदार होलकर महाराज अपने लश्कर के साथ नवाब वजीर की कुमक पर 8 पहर के अंदर रवाना हो जाएं। मुझे भी काका साहब के साथ जाने की इजाजत दी जाए। नहीं, सिर्फ होलकर महाराज जाएंगे। श्रीमंत, मेरा लश्कर अभी अंग्रेजों के साथ मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। मेरे पास ऐसे हथियार भी नहीं है जो अंग्रेजों के हथियारों का जवाब दे सके। लेकिन मैंने कुछ हद तक अपने लश्कर को फ्रांसीसी तरबियत दी है, इसीलिए हमें आपकी और आपके लश्कर की यहां जरूरत है। अगर श्रीमंत मेरा लश्कर यहां रखना चाहते हैं तो शौक से रखें, लेकिन मुझे काका साहब के साथ जाने की इजाजत दी जाए। आपका लश्कर आपके बिना नहीं रह सकता। आप कहीं नहीं जाएंगे। हमारा फैसला अटूट है। तुम्हें हमारी कमान में न भेजकर रघुनाथ राव ने बड़ी गहरी ये कोई राजनीति है न कूटनीति। हम दोनों को अलग करके हम दोनों से बदला लेने की कोशिश की गई है। इतने ऊंचे घराने का आदमी इतना नीचे गिर सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे काका, इनको तो सिर्फ पेशवा जी की गद्दी दिखाई दे रही है, पर इस गद्दी और इनके बीच सिर्फ हम दो आदमी हैं जो इनकी नजरों में खटक रहे हैं। बेटे, हमारी बात तो छोड़ो, हमारी जिंदगी का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं रहा। असल में रघुनाथ राव के दिल में सारा डर तुम्हारा बैठा हुआ है। एक बार तो उन्होंने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेली दिया था, मुझे दूर भेजकर वो दूसरी बार वही कोशिश करेंगे। काका, अभी तक इन्होंने मेरी फरमा बरदारी देखी है, अब मैं इन्हें अपनी बगावत की झलक भी दिखा दूंगा। अपना ख्याल रखना बेटे, हमें यकीन है कि तुम जो भी फैसला करोगे, जो भी कदम उठाओगे, वो तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे आत्मविश्वास का सबूत होगा। बस काका, आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटे, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। मां अदब मां मुलाहिजा होशियार, जहां बना आलीजा, शाह आलम सानी जलवा फरोज हो रहे हैं। सैफुद्दीन जी, आलम बना, सुना है मराठे शुजा की मदद को आ गए और मल्हार राव होलकर कानपुर के पास कालपी में कर्नल कार्नल से लड़ रहे हैं। अगर होलकर जीत गए तो उनकी मदद से शुजा यहां इलाहाबाद पर हमला करेगा और ये उसकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहां हमारी हिफाजत के लिए अंग्रेजों की जबरदस्त फौज मौजूद है। फिर भी ये किस्मत की एक ऐसी मार पड़ी कि आज हम अंग्रेजों के मोहताज हैं। गुस्ताखी माफ आलमपना, किस्मत खुद नहीं मारती बल्कि उन इंसानों के हाथों पिटवाती है जो कहते तो हैं कि साथ हैं लेकिन दुश्मनों के हाथों बिके हुए होते हैं। हम आपका मतलब नहीं समझे। क़िबला आलम, अंग्रेजों ने खलीज बंगाल से इलाहाबाद तक की मुगल सल्तनत की आमदनी लेकर आपको महज कुछ लाख रुपए दिए हैं। क्या मुगल सल्तनत की यही कीमत है?
इसी तरह एक दिन वो आपसे आपकी दिल्ली भी ले लेंगे। नहीं निजामुद्दीन, नहीं। अंग्रेजों ने हमसे वादा किया है कि बरसात के बाद वो हमें इस इलाहाबाद के किले से निकालकर दिल्ली ले जाएंगे, और हम उनके इस वादे पर एतबार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। आली जाने सूरत हाल सही समझी है। आपके अकले दानिश से यह उम्मीद है कि आप अंग्रेजों पर पूरा पूरा भरोसा करेंगे। वो आपके सही मायनों में सच्चे दोस्त हैं। जी हाँ, हम समझते हैं। यह ना समझिए कि हम ना समझें। मेजर थॉमसन सर। यस कैप्टन सैंडर्स। सर, कर्नल कॉर्नेट ने कह तो दिया कि मलार राव होलकर के लश्कर को आवत तक न पहुंचने दिया जाए, उसे रास्ते में ही रोक लिया जाए। लेकिन मलार राव का लश्कर है कहां? अब तक तो उसका पता ही नहीं। थॉमसन। यस कैप्टन। बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। मल्हार राव होलकर के मराठा लश्कर ने अपनी छापामार लड़ाई से बड़ा परेशान कर रखा है। टू मच। हमारा जान और माल का नुकसान रोज बढ़ता जा रहा है। 20 रोज हो गए, कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा। क्या किया जाए? मेरी सलाह है कि कर्नल कार्ने को ये इंफॉर्मेशन भेज दी जाए। देखते हैं वो क्या हिदायत देते हैं। ऑल राइट। Right.
मैं भी यही सोच रहा हूँ क्रिस्टोफर। हम तंग आ गए, थक गए। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी लंबी हो जाएगी। हमारा ख्याल था हिंदुस्तान में दूसरी लड़ाइयां जिस तरीके से हम अंग्रेजों ने चुटकी बजा के जीती हैं, ये लड़ाई भी जीत जाए। जीतेंगे तो हम जरूर। बेशक, इन हिंदुस्तानियों को तो लड़ने का ढंग ही नहीं आता। हम नए तरीकों और नई चालों से लड़ते हैं और जीते हैं। लेकिन यहाँ कालपी में मल्हार राव होलकर के खिलाफ हमारी चालें नाकामयाब हो रही हैं। वजह जानते हो क्यों? जी क्यों? जब दुश्मन का लश्कर हमारे सामने आता है तो हम चाले चलते हैं, लेकिन मराठे तो सामने आते ही नहीं, छुप के छापे मारते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उनको शिकस्त देने का बस एक ही तरीका रह गया है। वो क्या? वो ये कि उन्हीं के तरीके उन्हीं के खिलाफ इख्तियार किए जाएं। हम भी उन पे छापे मारेंगे, फिर देखना क्या होता है। Cheers. Cheers. खान, तुम देखना, हम इन विदेशियों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। महाराज। प्रणाम, क्या बात है? महाराज, श्रीमंत मल्हार राव होलकर ने आपको याद किया है, कहा है जल्दी से जल्दी आलमपुर पहुंचिए। आलमपुर? लेकिन होलकर काका आलमपुर में क्या कर रहे हैं? वो कालपी में फिरंगियों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए। क्या? इस वक्त आलमपुर में है, वहां उनका इलाज चल रहा है। महाराज महाराज, आप फौरन रवाना हो जाइए। अहिल्या भाई सरकार तक खबर पहुंची कि नहीं? जी महाराज, इंदौर भी संदेश भेज दिया गया है। तुम जा सकते हो। जो आके। नहीं,
रानी खान। जी महाराज। हम श्रीमंत रघुनाथ राव से आज्ञा लेकर आलमपुर जाएंगे और हमारी गैर हाजिरी में तुम हमारे लश्कर के कमांडर होगे। जो हुक्म महाराज। ख्याल रखना। हमारे राजा क्या गिन रहे हैं? कहीं से रकम हाथ लगी है? हाँ नंदी, ये रकम हमें सुजाउद दौला से मिली थी, पर अब ये भी खत्म होती जा रही है। जब शुजा ही खत्म हो गया तो रुपया खत्म क्यों ना होगा? ज्यादा फौज भेजते, शुजा को जीता देते, रुपया आता रहता। उसके लखनऊ में जो गोमती नदी बहती है, तुम्हारे कदमों में बहने लगती। शायद चूक हो गई हमसे, बहुत बड़ी चूक हो गई हमसे। मल्हारराव के साथ अगर हम महाजी को भी भेजते तो कालपी की लड़ाई हम अंग्रेजों से कभी नहीं हारते, पर हमें बदला जो लेना था जो गलत हो गया उसे पान के पीक की तरह ठूंढा और आगे की सोचो। श्रीमंत की जय हो। सरदार महाजी सिंधिया आए। आगे की बात की नहीं हो, वो आ गया। भेजो। जी सेनापति जी। हमारे पास क्यों आया है? जरूर कोई गंभीर बात होगी। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम भाई सरकार। श्रीमंत एक दुख भरी खबर है। कैसी दुख भरी खबर? होलकर महाराज की हालत बहुत नाजुक है। कालपी की लड़ाई में उन्हें जो घाव लगा था उससे सारे जिस्म में जहर फैल गया है। तो मुझे आलमपुर जाना है श्रीमंत, उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम नहीं जा सकते, तुमको उनसे क्या लेना देना? जो उनके हैं उनके पास हैं। श्रीमंत, मैं उनका कुछ नहीं हूं, लेकिन वे मेरे लिए सब कुछ हैं। पर फिर ये तो मानने और न मानने की बात है। हम नहीं मानते, तुम नहीं जाओगे। श्रीमंत, वे आपके और पेशवा जी के सेनापति हैं और मैं उनका सरदार हूं। ये उनका अंतिम समय है, और जब आदमी का अंतिम समय आता है ना, तो न रोकते हैं न पूछते हैं, बस जाते हैं। मैं जा रहा हूं श्रीमंत, और अगर आपको एक अच्छे इंसान और उच्च सेनापति का धर्म निभाना है तो आप भी आ जाइएगा। प्रणाम श्रीमंत। उसने मौत देख ली है, और जो एक बार मौत को देख लेता है वो मौत से नहीं डरता, मौत उसे डरने लगती है। सुना उसने क्या कहा? तुम्हारा और पेशवा जी का एक सेनापति मर रहा है, वो जाएगा और तुम नहीं जाओगे। पूरी सेना तुम पर थू थू करेगी, कहेगी ये कैसा उच्च सेनापति है। तुम चाहती हो कि मैं उस महाजी की सीख मानकर जाऊं? हाँ, उस महाजी की यही सीख मानकर तुम जाओगे, जैसे मरते हुए रावण के पास श्री राम जी की सीख मानकर लक्ष्मण गए थे। महात्मा आगे निकल गए हैं, मत रहो पीछे, पछताओगे। महाज बेटा नहीं आया? नहीं, बस आते ही होंगे।
काश मेरे मरने से पहले वो आ जाए। ऐसा न कहिए, भगवान आपका साया हमेशा हमारे सर पर बनाए रखेगा। बेटी, तुम इतनी समझदार हो कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तुम एक ऐसी स्त्री हो, ऐसी बहू हो जिसने होलकर परिवार का नाम रोशन किया है। पूरे महाराष्ट्र में तुम्हारा बहुत मान है, मुझे विश्वास है कि इंदौर का शासन जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप अभी कमजोर है, बातें मुझे बोलने दो बेटी, मुझे माले राव की चिंता सताई जा रही है। मेरे बाद उसकी विरासत की समस्या। काका साहब प्रणाम। महात बेटे, काका तुम्हें देखकर मेरी आंखों में रोशनी आ गई बेटा। मुझे विश्वास था कि मरने से पहले तुम्हें जरूर देखूंगा। मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा परिवार मेरे पास इकट्ठा हुआ है। अब मेरा दम आसानी से निकलेगा। काका आप बेटे, तुमसे एक विनती है। विनती नहीं, आदेश दीजिए काका, आदेश। आपका ये बेटा आपके किसी आदेश से इनकार नहीं करेगा। बेटा, मेरे बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना, उसमें सिर्फ स्त्रियां ही हैं और ये पुरुषों की दुनिया है। हो सकता है रघुनाथ राव अहिल्या को परेशान करे। बेटा, इसकी रक्षा करना, इसकी सहायता करना बेटा। काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? श्रीमंत, कैसे हो मल्हार राव? बहुत खुश हूं श्रीमंत। मैंने उम्र भर मराठा राज्य के लिए अपना खून बहाया है। मुझे गर्व है कि मैं मराठा राज्य की सेवा में अपनी जान दे रहा हूं। बस एक आखिरी इच्छा है श्रीमंत, कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। आप दोनों मराठा राज्य के स्तंभ हैं, मिलकर रहेंगे तो मराठा राज्य का कोई नुकसान नहीं कर सकता।
रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक हो जाए, एक हो जाए। मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए। हम वचन देते हैं, वचन देते हैं काका। सुनो माँ जी, जी श्रीमंत। महा जी, मल्हारराव की मौत का हमें बड़ा दुख हुआ। लोग मरते रहते हैं लेकिन दुनिया का कारोबार चलता रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हम ये सोच रहे हैं कि मल्हारराव के बाद उसका वारिस कौन बनेगा। उनके पोते माले राव, और कौन? नहीं, माले राव की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कानूनी तौर पर वो वारिस नहीं बन सकता। तो फिर इसका उपाय? उपाय है, कालपी की जंग में मल्हारराव ने हमारे 50 लाख खर्च किए थे, माले राव 2 करोड़ की जायदाद का वारिस बन सकता है अगर ये 50 लाख रुपए वो हमें नजराने के तौर पर पेश कर दे। लेकिन श्रीमंत, कानून तो? कानून हमारी मुट्ठी में है महाराज जी, हम उसे जिस तरफ चाहें मोड़ सकते हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? हमारा ये सुझाव आप अहिल्या बाई तक पहुंचा दें। प्रणाम। होलकर काका की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि रघुनाथ राव ने उनकी विरासत की बात छेड़ दी। अपने मतलब की कोई बात कही होगी उन्होंने। बैठिए। जी हाँ, कहने लगे माले राव की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो मल्हारराव होलकर के कानूनी वारिस नहीं बनाए जा सकते। लेकिन अगर आपने उन्हें नजराना पेश कर दिया तो वो माले राव को वारिस बना देंगे। लोग तो शमशान में भी सौदेबाजी करते हैं। रघुनाथ राव जैसे बेशर्म लोग ही कर सकते हैं। रघुनाथ राव को नजराना देकर मैं उनका हौसला बढ़ाना नहीं चाहती। हरगिज न दीजिएगा, वो आपसे निराश होकर आपको परेशान जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी तरफ से उनसे टक्कर लूंगा। और फिर श्रीमंत पेशवा माधवराव, रमाबाई सरकार और गोपिकाबाई सरकार भी आपके साथ होंगे, और सबसे बढ़कर तो वो आपके साथ होंगे जिनकी आप पूजा करती हैं।
मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पेशवा परिवार का मुझे बड़ा सहारा है और भगवान में भरपूर श्रद्धा है। एक बात और, होलकर काका ने इंदौर सेना के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया है। अब आप पहला काम यह कीजिए कि किसी काबिल, समझदार, बहादुर और तजुर्बेकार सरदार को अपनी सेना का सेनापति बना दीजिए, जो आपका और पेशवा माधवराव का वफादार हो और जिसे रघुनाथ राव भी न खरीद सके। मैं आपकी सूचना के अनुसार एक सेनापति जल्द से जल्द नियुक्त करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूं। प्रणाम। लॉर्ड क्लाइव के सिपे सालार कर्नल फ्लेचर बहादुर जिले सुभानी की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। योर मेजेस्टी, शहनशाह सल्तनत मुगलिया के इकबाल का सितारा बुलंद हो। एक खुशखबरी है, कालपी की बैटल में हमने मल्हार राव होलकर मराठा को हरा दिया है। वो घायल होकर भाग गया है और आलमपुर में उसकी मौत हो गई है। एक दूसरी खुशखबरी और है जहां पना, वो ये कि शुजाउद्दौला आपसे सुलह करना चाहता है। मरहबा, हम आपके और कंपनी बहादुर के ममनून हैं। देखा सैफुद्दीन, हमारा बागी सूबेदार हमारे कदमों में है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो अभी बाकी है योर मेजेस्टी। हम जानने के लिए बेताब हैं। कंपनी बहादुर के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करने के लिए बहुत जल्द यहां आ रहे हैं। हम उनका शायन शान से इस्तकबाल करेंगे। सैफुद्दीन जी आलमपना, कर्नल बहादुर के लिए तोहफों का इंतजाम किया जाए। हुक्म की तामील फौरन की जाएगी आलमपना। योर मेजेस्टी, वाकई हमारे इकबाल का सितारा बुलंद हो रहा है। स्वामी के हाथ हृदय की जोत बढ़ाने के लिए होते हैं, आँखों को स्वामी दर्शन से वंचित करने के लिए नहीं। तुमने कैसे जाना? तुम्हारी आँखों पर किसी और के नहीं, मेरे ही हाथ हैं। पत्नी अपने पति का स्पर्श नहीं पहचानेगी। अच्छा, तो भाई को खत लिखा जा रहा है। हमें तो तुमने कभी खत नहीं लिखा। खत उसे लिखा जाता है जो दूर होता है। मैं तो हरदम अपने स्वामी की आंखों के सामने रहती हूँ और जब कहीं जाती हूँ तो आप मेरे दिल में रहते हैं और मैं आपके दिल में। सच है, दिल पर लिखी बातें कागज पर लिखी बातों से पहले मालूम होती है। मैं वो भाई साहब का खत पूरा पहले हमारे दिल पर लिखा खत तो पढ़ लो। महाराज की जय हो। अंदर आ जाओ। नाना फडणवीस श्रीमंत से मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है? पता नहीं क्या आवश्यकता पड़ी जो नाना इस वक्त। श्रीमंत की जय हो। क्षमा चाहता हूं, उज्जैन से महाजी का पत्र आया है, एक दुख भरी खबर है।
काल्पिक युद्ध में घायल होने के बाद आलमपुर में सेनापति मल्हार राव होलकर का निधन हो गया है। क्या? यह तो बहुत बुरा हुआ। होलकर महाराज ने हमारे दादा पेशवा बालाजी और काका साहब रघुनाथ राव के साथ मिलकर कितने ही युद्ध लड़े, तीन पेशवाओं की कितनी सेवा की है। एक दिलेर और तजुर्बेकार सेनापति हमसे छिन गया। श्रीमंत, महाराज जी ने अपने पत्र में एक निवेदन भी किया है। क्या? आप आज्ञा जारी करें कि अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव को नजराना लिए बगैर तुरंत मालवा का सूबेदार स्वीकार कर लिया जाए। यानी काका साहब उनसे भी नजराना लेने की बुरी नीयत रखते हैं? ये जानते हुए भी कि अहिल्याबाई हमारी सहेली है? नाना, तुरंत हमारी तरफ से अहिल्याबाई को एक शोक संदेश भेजिए और एक पत्र काका साहब को भी कि बिना कोई नजराने लिए होलकर जी के पोते मालेराव को उनका वारिस मान लिया जाए। जो आज्ञा श्रीमान। पेशवा का एक वफादार सेनापति कम हो गया। हमारे इस नुकसान से हमारे दुश्मन जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जेंटलमैन, गुज़िश्ता 8 बरस में हमारी कौम ने यहाँ हिंदुस्तान में बेइंतहा तरक्की हासिल कर ली। दरअसल हम यहाँ तिजारत करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी खुशनसीबी ने हमारे कदम तख्ते हुकूमत तक पहुंचा दिए। यह आपकी समझबूझ और सियासतदानी का करिश्मा है। प्लासी की कामयाबी हमारी खुशनसीबी का पहला जीना था। बक्सर की जंग में कामयाबी सोने पर सुहागा थी, लेकिन बक्सर में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम का इतिहाद कंपनी के लिए बहुत जबरदस्त खतरा बन गया था, जिस पर हमने काबू पा लिया। लेकिन अगर हिंदुस्तानियों में इतिहाद का चिराग रोशन हो गया तो हमारे मुकद्दर में अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में शुजाउद्दौला को मराठों से अलग करके फतेह हासिल की थी। अगर ये दोनों ताकतें एक हो जाती तो पानीपत की तारीख कुछ और हो जाती। योर एक्सेलेंसी बजाय इरशाद फरमाते हैं। हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हिंदुस्तानी एक ना होने पाए। हमारी दूसरी कोशिश ये होगी कि हम उनके हाथ से उनका हुनर छीन लें, ताकि हमारी कौम के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और ये हिंदुस्तानी हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर टूट पड़े और एक एक टुकड़े के पीछे आपस में लड़ पड़े। इस पॉलिसी पे सख्ती से अमल होना चाहिए। जी, रहे शाह आलम, शाहनशाह हिंद, जिसके हाथ से तलवार गिर चुकी है, इससे पहले कि उसके हाथ से कलम भी गिर जाए हमें कंपनी के नाम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी लिखवा लेनी चाहिए। इससे हमारी कौम की भलाई होगी और हमारा मुल्क तरक्की करेगा और लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। इसलिए शाहनशाह से मुलाकात करने के लिए हम जल्द अज जल्द इलाहाबाद जाएंगे। योर एक्सीलेंसी, आजकल हमारी कौमी पार्लियामेंट में कंपनी पर सख्त एतराज किए जा रहे हैं कि कंपनी ने शहनशाह हिंद से बक्सर में जंग क्यों की। हमारी कामयाबी इन एतराज करने वालों के मुंह बंद कर देगी। औरत और दौलत पाकर मुंह बंद हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं और दोनों हाथ इन्हें अपनी छाती से लगाने में मसरूफ हो जाते हैं। सर, आप अपनी तजवीज पर अमल करें, कौंसिल आपके साथ है। थैंक यू जेंटलमैन। जिन कौमों में एकता नहीं होती उनका मुकद्दर हमेशा वो कौमें लिखती हैं जिनमें एकता होती है। नाउ जेंटलमैन, आई डू बिलीव स्टैंड द लॉन्च। थैंक यू एक्सीलेंसी। सुल्तान इब्ने सुल्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, दिल्ले सुभानी शाह आलम सानी,
तशरीफ ला रहे हैं। His Majesty शाहनशाह बर्तानिया, कंपनी बहादुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इस खाकसार रॉबर्ट क्लाइव की जानब से शाहनशाह हिंद सलाम और नेक तमन्नाएं कबूल करें। मां बदौलत कबूल फरमाते हैं। नजराना पेश किया जाए, पेश किया जाए। सबसे पहले ये खाकसार शाही रहमो करम का तलबगार है। किसी अफसोसनाक गलतफहमी की वजह से कंपनी के चंद अफसरों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और बक्सर में शाहनशाह हिंद के खिलाफ हथियार उठाए। कमांडर कर्नल फ्लेचर, यह कसूरवार अपने किए पर नादिम है, मुआफी की दरखास्त करता है योर मजेस्टी। गलती का एहसास और मुआफी की तलबी शराफत की दलील है, और मुआफ कर देना इंसानी किरदार की बुलंदी। शाह ने मुगलिया के खून की कसम जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, हमने माफ किया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। ताज्जुब है क्या आप फिरंगी होकर भी इतनी उम्दा उर्दू में गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं। जिले सुबानी हम ताजिर हैं, तिजारत करने के लिए जिस मुल्क में हम कयाम करते हैं हम उस मुल्क की जबान जरूर सीखते हैं। यहां रहकर कंपनी की खिदमत करने वालों के लिए इंग्लिस्तान में भी उर्दू और फारसी सिखाने का पूरा बंदोबस्त है, और यहां कलकत्ते में भी। आफरीन आफरीन। कंपनी बहादुर के आली जनाब गवर्नर जनरल से गुजारिश है कि अपनी तशरीफ आवरी का मकसद बयान फरमाएं। बक्सर की गलती ना दोहराने के लिए एक तजवीज है। आइंदा ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज सल्तनत मुगलिया की हिफाजत के लिए ही हथियार उठाए। सिर्फ यही एक तजवीज है या कंपनी बहादुर के कुछ और भी मंसूबे हैं? जहां पना कंपनी बहादुर को बंगाल बिहार और उड़ीसा की मालगुजारी वसूल करने का कानूनी इख्तियार अता फरमाए। यानी इन सूबों पर जिले सुभानी आपकी मार्फत हुकूमत करें, सूबेदारों पर इनका कोई इख्तियार न रहे और उन पर आपकी हुकूमत चले। ये फैसला जिले सुभानी को करना है। इन तजवीजों के कबूल किए जाने की सूरत में आलमपना को लाड साहब की क्या पेशकश होगी? तीनों सूबों से वसूल की हुई मालगुजारी से 26 लाख सालाना और दिल्ली की रवानगी तक इलाहाबाद और कोरा के जिलों पर शाहनशाह आले मकाम का कब्जा। दिल्ली को हमारी रवानगी कब अमल में आएगी, इस बारे में तो आपने रोशनी डाली ही नहीं। जैसे ही आप इन तजवीजों को कबूल करने का फरमान जारी कर देंगे हम कंपनी बहादुर के डायरेक्टर से मशवरा करेंगे और फिर आपके दिल्ली जाने की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। इन तजवीजों पर गौर करने के लिए लाट साहब कुछ वक्त इनायत करें। नहीं निजामुद्दीन, नहीं, हम हर कीमत पर दिल्ली जाएंगे। हम कंपनी बहादुर की हर तजवीज मंजूर करते हैं। फरमान तैयार किया जाए। शाहनशाह बुलंद मर्तबत से यही उम्मीद थी। सैफुद्दीन जी आलमपना, इस पुर मुसर्रत मौके पर आज रात जलसागाह में जश्न का बंदोबस्त किया जाए। आलमपना के हुक्म की तामील होगी।
रम्य क्या देख रही हैं आप? ये नक्शा अच्छा है लेकिन हमको पसंद नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि बेगम हम एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो हमारे दिल की खलिश को निकाल दे, उन हसरतों का हासिल हो जो हमारे इस बीमार दिल के अंदर ऐसे करवटें लेती हैं। ऐसा ना कहिए बेगम, दिल्ली है, लखनऊ है, क्या शान है नीचे को, हम उनसे भी अच्छा एक शहर बनाना चाहते हैं। नजीबाबाद। आप जैसा चाहते हैं नजीबाबाद वैसा ही बनेगा। लोग भूल जाएंगे दिल्ली और लखनऊ को। आप अपनी जान हल्का मत कीजिए, आराम कीजिए। अब्बा जान आओ बेटे, एक बहुत अफसोसनाक खबर लाया हूँ। चुप रहो जाता काम, तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बा जान बीमार है? फिर सुना दीजिए बेगम, हमें कुछ नहीं होगा, सुनाओ। मल्हारराव होलकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे सर से एक शफीक बुजुर्ग का साया उठ गया। जी दादाजी, तुमने अपने दादा मल्हार राव को नहीं देखा, फरिश्ता थे। आज हमें पानीपत की बातें याद आने लगी है, जिसके जरा पहले पुरारी घाट में हमने दत्ता जी सिंधिया का सर कटवा दिया था। आज वही कटा हुआ सर हमारे सर पर बाल से बंधी हुई तलवार की तरह लटका हुआ है। बेटे बात याद रखना, कभी किसी का सर मत काटना, कभी किसी चेहरे के साथ ऐसा मत करना। इतने संघर्ष और परेशानियों के बाद तो होलकर काका की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और उसके फौरन बाद ये तुम इंदौर चलने की तैयारी करो। जी आप धीरे से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा नहीं, एक ले लो। शाबाश मेरा अच्छा बेटा, माँ की सुनता है। ये देख लीजिए भाई सरकार, शोक संदेश का जवाब। हम क्या देखेंगे मंत्री चंद्रचूड़ जी, माले राव के शोक संदेशों का जवाब आप दे दीजिए। इनके भी और जो आएंगे उनके भी।
मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि अगर आप एक बच्चा गोद ले लें तो सारा सुबह आपका रह सकता है। अपने दुख के आगे हमें कुछ नहीं सूझ रहा। चंद्रचूड़ जी, समय आया तो हम आपकी बात ध्यान में रखेंगे। प्रणाम। सिंधिया महाराज प्रणाम। होलकर काका का दाग दिल से मिटाने भी नहीं पाए थे, अब ये मालेगांव का दुख भी हमें सहना पड़ा। छोटे महाराज के इंतकाल का बड़ा अफसोस हुआ भाई सरकार। क्या करें, भगवान ने एक ही बेटा दिया और उसे ऐसा रोक दिया। वो भी रोते थे और हम भी रोते थे, और बेटे होते तो सब्र कर लेते। वर्तमान सरोवर के मोती से भी निर्मल थे, जाने कहां से ये रोग का कीड़ा लग गया। और इतने इलाज, इतने पूजा पाठ किए, पर हमारे भाग्य में तो आजीवन दुखी लिखे हैं। चलो, उनको तो भगवान ने उन दुखों से मुक्त कर लिया। हम इसी बात पर उनका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं अहिल्या बाई, सचमुच महान हैं आप। आपको शिवजी महाराज की तरह से आता है। आता है या सीख लिया है पता नहीं। जब मालेगांव से गुजार कर गए तो लगता था सब कुछ ठीक हो गया है। अब मैंने श्रीमंत पेशवाजी महाराज को लिखा है कि वो आप ही को सूबेदार बना दें। ये आपने क्या किया? जो आपको करना है। अगर आप चाहती हैं कि श्रीमंत पेशवा पुणे में बने रहे और मैं उत्तरी हिंदुस्तान में कुछ कर सकूं, तो आपको यह प्रस्ताव मानना पड़ेगा। महाराज सही कह रहे भाई सरकार, अगर आप गम से डर कर खड़ी नहीं होंगी तो हो सकता है रघुनाथ राव आपके खिलाफ कोई चाल चल जाए। सही है, वे कुछ भी कर सकते हैं। आपको चौकन्ना रहना है अहिल्या बाई, उनसे भी, और जो पुराने लोग यहां हैं वो रघुनाथ राव से मिल सकते हैं। हमारे चंद्रचूड़ जी कह रहे थे हमें एक बच्चा गोद लेना चाहिए। हरगिज नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अहिल्या बाई। पहले पेशवा जी का जवाब आ जाए फिर देखें। मैं वापस जा रहा हूं रघुनाथ राव पर नजर रखने के लिए, लेकिन यह मेरा वचन है कि मालवा आपका है और आपका रहेगा। आप मालवा की रानी बनेगी, यह मेरा वचन। मालेराव के मर गया, मक्खन की हंडिया टूट कर गिरी, अब मक्खन चल रहा है। तो होलकर के मंत्री गंगाधर चंद्रचूड़ को बुलाऊं, इंदौर का राज्य मिल बांट कर खाएंगे। हाँ, तो देखो।
प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। प्रणाम भाई सरकार। बैठिए। राम राम तो हो चुकी, बगल में जो छुरी है वो निकाल। श्रीमंत भाई सरकार, पिछले बार श्रीमंत रमाबाई सरकार और महाजी की वजह से आपको नजराना नहीं मिला और मालेराव सुबेदार बन गया, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज होलकर जागीर का कोई मर्दे वारिस नहीं, बस अहिल्या बाई और उनकी बेटी है। सिंधिया जागीर की तरह होलकर जागीर भी चढ़ गई नीलामी पर, बिकवा डाली। लेकिन श्रीमंत भाई सरकार, नीलामी हो नहीं सकेगी। श्रीमंत रमाबाई सरकार अहिल्याबाई सरकार की बहुत गहरी सहेली है। फिर श्रीमंत पेशवा जी, आपके भतीजे कभी नहीं चाहेंगे कि इंदौर के सूबेदारी नीलाम होकर किसी ऐसे सरदार को मिल जाए जो खुल्लम खुल्ला श्रीमंत का आदमी। बहुत खास है मंत्री जी, जब तक इनकी थाली में से निवाले का इंतजाम ना हो जाए ये थाली बाहर नहीं आने देंगे। बताइए मंत्री जी, आप हमारे साथ मक्खन कैसे खाएंगे? अहिल्या भाई सरकार, आपके किसी सरदार का दूध पीता बच्चा देख लें जो 21 साल का होने पर सरदार सुबेदार बने, तब तक मंत्री मैं रहूं, राजपाट मैं चलाऊंगा। वाह वाह वाह, 21 साल तक दूध तुम पीते रहो और हम मुंह तकते रहे? नहीं भाई सरकार, मैं तो सिर्फ छाछ पीऊंगा, मक्खन आपके पास पहुंचता रहेगा। जैसे महाजी की सुबेदारी मिलने पर फड़के और थोराट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। रहते इंदौर में हो और खबर पुणे तक की रखते हो। आदमी और गिद्ध की एक खसलत है, जब मांस खाना होता है सब की खबर रखता है। तो यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ और बेटा गोद लेने के लिए अहिल्या बाई पर जोर डालो। जी भाई सरकार, प्रणाम श्रीमान। आओ रानी का। महाराज, तो कुछ ही होलकर आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कुछ ही होलकर? होलकर काका के कोई रिश्तेदार है क्या? जी नहीं महाराज, होलकर काका के साथ कई जंगों में अपने कारनामे दिखा चुके हैं। ये उनके चहीते सरदार हैं, इनकी वफादारी पर उन्हें पूरा भरोसा था। अच्छे किरदार, अच्छे खानदान के आदमी हैं और इंदौर सेना के नए सिपे सालार भी हैं। हम उनसे जरूर मिलेंगे। जी महाराज, आइए तशरीफ लाइए। प्रणाम। प्रणाम। महाराज के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूं। महाराज ने इंदौर के नियुक्त सेनापति के लिए जो गुण गिनवाए थे, मुझे गर्व है कि अहिल्याबाई सरकार ने मुझमें उनकी झलक देखी। उन्होंने आपकी नजरों से मुझे देखा और कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शाहीन की परवाज को कोई नहीं रोक सकता। आप जिस पदवी के योग्य थे उसी पर नियुक्त हुए, आपका जो हक था वही आपको मिला। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद महाराज। अहिल्याबाई सरकार आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, हम आते हैं। आइए। रंजनगढ़ से मेरे इस तरह आने पर आपको हैरत तो हो रही है। मुझे विश्वास है आप मेरी हैरत दूर करेंगे। हो सकता है यह सुनकर आपकी हैरत और बढ़ जाए कि रघुनाथ राव इंदौर पर हमला करने वाले हैं। रघुनाथ राव के कदम जिस तरफ जाते हैं, उनकी निगाहें जिस तरफ उठती हैं, तबाही का मनहूस साया वहां फैलने लगता है। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मुझे उनके इरादे की सूचना मिली मैं इंदौर के लिए चल पड़ा।
मेरा लश्कर भी आ रहा है। आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे गैर समझते हैं। अहिल्या बाई, मेरी सेना मेरी नहीं है, आपकी है। इसे आपने बढ़ाया है, इसलिए आपकी रक्षा करना मेरा और मेरी सेना का प्रथम कर्तव्य है। आप इंदौर की सेना भी अपने साथ लेकर चलिए। जरूर अहिल्या बाई। क्या मैं जान सकता हूं कि इंदौर पर रघुनाथ राव के हमले का कारण क्या है? वो चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद का कोई बच्चा गोद ले लूं। मैंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। अब एक काम और कीजिए कि श्रीमंत माधवराव पेशवा और रमाबाई सरकार को आप एक पत्र लिखकर सूचित कर दीजिए कि रघुनाथ राव क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं आज ही लिख दूंगी। आप निश्चिंत रहिए, रघुनाथ राव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं आपकी रक्षा करूंगा। कई बार सुन चुकी अटक तक झंडे गाड़े हैं, अटक तक झंडे गाड़े हैं। अब ये बताओ कि इंदौर पर भी अपना झंडा गाड़ोगे या नहीं? रंदी, मेरा नाम रघुनाथ राव है। आकाश से पाताल तक मेरे नाम की गूंज है। तो फिर ये इंदौर की मेरे सामने हैसियत ही क्या है? इस भूल में न रहना, ये इंदौर उस अहिल्या बाई का है जिसे सारे महाराष्ट्र में देवी समझा जाता है। जितनी देर करोगे उतने ही घाटे में रहोगे। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। लेकिन हमला करने का मुझे एक बहाना तो चाहिए। अहिल्या बाई जैसे ही मेरी बात मानने से इनकार कर देगी, और वो इनकार जरूर करेगी, हम हमले का फैसला करेंगे। अहिल्या बाई का जवाब आता ही होगा। श्रीमंत की जय। श्रीमंत, मंत्री चंद्रचूड़ ने संदेश भेजा है कि अहिल्या बाई ने आपकी पसंद के लड़के को गोद लेने से इनकार कर दिया है। इंदौर पर हमला करने का बहाना सोने की थाली में पेश किया जा रहा है। भड़के तमाम सरदारों को हमारा आदेश दे दो कि अब से ठीक 24 घंटे के बाद हम इंदौर पर हमला करेंगे। जो आगे श्रीमान। रघुनाथ राव हम पर हमला करके रहे, पूरा तोपखाना लेकर आए। अल्लाह रहम करे महाराज, उनकी तोपों का रुख हमारी लश्कर की तरफ ही है। हमारे यहां एक कहावत है राने का, विनाश काल विपरीत बुद्धि, यानी ईश्वर जब किसी को खत्म करना चाहता है तो उसका दिमाग खराब कर देता है। लगता है ये कहावत रघुनाथ राव पर सच होकर रहेगी। अपनों से लड़ रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से मुंबई के टापुओं का सौदा कर रहे हैं। लेकिन आप तो उनके मातहत हैं, क्या आप उनसे लड़ेंगे? अगर उन्होंने अहिल्या बाई पर हमला किया तो मैं क्योंकि श्रीमंत माधवराव जी ने रघुनाथ राव को इंदौर पर हमला करने की इजाजत नहीं दी। प्रणाम। प्रणाम। जासूसों से खबर आई है कि हमला कल शुरू हो, खबर पक्की है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुको जी, आप हमारे साथ चलिए। राणे खान, तुम मोर्चा संभालो, मैं एक आखिरी कोशिश करता हूं
रघुनाथ राव को समझा कर देता हूं। आप श्रीमंत रघुनाथ राव जी को समझाएंगे? महाराज, आप जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। रघुनाथ राव आपको गिरफ्तार कर लेगा क्योंकि आप उसके खिलाफ अहिल्या बाई सरकार की मदद कर रहे हैं। मैं इस जिंदगी में कई बार मौत के मुंह में जा चुका हूं, एक बार और सही। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। लेकिन सरदार, सरदार आप मेरी बात तो सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? रुको जी, आप यहीं ठहरिए, हम आते हैं। खान और महाजी सिंधिया लगते हैं। इसे कहते हैं हिम्मत। हम तोप और बंदूक से इस हिम्मत का जवाब दे सकते हैं। बस आ गया कि देर है। ख्याल अच्छा है, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। कैसा मौका? अपने आप को मक्कार और बुज़दिल कहलाने का? याद रखो, महाज के दुश्मन युद्ध से पहले जितने मारा शे और पर आने दो, सुन लो क्या था। कमांडर हमी से युद्ध करने आया है। मैं आपको युद्ध से सुरक्षित रखने के लिए। अगर हम ये कहें कि हम युद्ध जरूर करेंगे तो क्या दोष मेरा नहीं होगा? यानी कि तुम हमारे विरुद्ध जंग करोगे? मैं कहना चाहूंगा कि मैं मत के पक्ष में। श्रीमंत, पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में आपका मान है। आप एक पेशवा के बेटे, एक पेशवा के भाई, एक पेशवा के चाचा हैं। आप एक बहुत बड़े वीर और सेनापति हैं। एक स्त्री के शहर पर आक्रमण करना आपको शोभा नहीं देता। और स्त्री भी कौन सी? भाई होलकर, जो अपनी पूजा पाठ, अपने धर्म के पालन और अपनी प्रजा की सेवा के लिए मशहूर है, जिसकी बेहद इज्जत है। श्रीमंत, अगर आप एक स्त्री से जीत भी गए तो इतिहास में आपके नाम पर कोई चार चांद नहीं लग जाएंगे, और अगर आप पराजित हो गए तो शर्म और बदनामी का एक बदनुमा दाग आपके नाम के साथ रहती दुनिया तक लगा रहेगा। मेरी आपसे एक विनती है श्रीमान, कि आप यहां से लौट जाएं। मैं बस यही कहना श्रीमान, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आपसे एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। आपकी इज्जत मराठा राज्य की नेकनामी है, लेकिन आपकी बदनामी सिर्फ आप ही की बदनामी होगी। ज्योतिषियों का कहना है महर्षि के भाग्य का सितारा चमक रहा है। चिंता मत करो, हमारा सूर्य भी उदय होगा और तब
हम पेशवा बनेंगे और उस वक्त अहिल्या बाई से निपटेंगे। भड़के जी श्रीमान, रंजनगढ़ लौटने की तैयारी की जाए। जो आदेश। आदरणीय श्रीमंत, पेशवा माधवराव जी की जय हो। आपको यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि उच्च सेनापति श्रीमंत रघुनाथ राव जी बिना किसी कारण, बिना समझे बूझे इंदौर और अहिल्याबाई पर आक्रमण करने वाले थे, लेकिन मेरे समझाने पर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वो रंजनगढ़ वापस चले गए। आपसे और श्रीमंत गोपिकाबाई सरकार से निवेदन है कि श्रीमंत रघुनाथ राव जी को गलत हरकतों से रोकने की कोशिश करें, वरना महाराज के नाम पर अमिट धब्बा लग जाएगा। आपका सेवक महाजी सिंधिया। इस विषय में अहिल्याबाई का पत्र हमें मिल चुका है। रघुनाथ राव उन पर जोर डाल रहे हैं कि अहिल्याबाई उनके पसंद का कोई लड़का गोद ले ले। काका साहब के हाथों अहिल्याबाई जैसी देवी भी सुरक्षित नहीं है। आई साहब, क्या पेशवा राज में हम औरतों के साथ यही व्यवहार होगा? हम अकेली रह जाएंगे और हमारे बड़े बूढ़े हम पर तलवार उठाएंगे? महाजी सिंधिया और अहिल्याबाई के आगे हमारा सर झुक गया। कब तक हम छोटे बने रहेंगे? काका साहब की गलतियां भुगतेंगे? 1.5 साल से वो रंजनगढ़ की घेराबंदी किए पड़े हैं, उसका क्या परिणाम दिखाई दिया? महाजी सिंधिया को सजाए मौत देने की ठानी है और अब इंदौर हमला करने चले गए। अभी तो आनंदीबाई भी उनके पास गई थी, आग में तेल का काम कर रही है। उनकी रोकथाम नहीं की गई तो भगवान जाने क्या क्या गुल खिलाएंगे। नाना, काका साहब को लिखिए, रंजनगढ़ की घेराबंदी उठाकर फौरन पुणे लौट आए। हमारा खजाना इस घेराबंदी का बोझ नहीं उठा सकता। लिखिए, यह आई साहब का आदेश है और हमारी इच्छा। जो आज्ञा श्रीमंत। और मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंध किया जाए ताकि अहिल्याबाई को मल्लार राव होलकर का वारिस स्वीकार किया जाए और इसका ऐलान किया जाए। जी श्रीमंत। नाना, हम आपको चेतावनी देते हैं, यह नकली जानको जी के बहरूप पर से पर्दा तुरंत उठाया जाए। हम महाजी को जल्द से जल्द सूबेदार के रूप में देखना चाहते हैं। जी श्रीमान, आप निश्चिंत। देखो चंपा भाई, श्रीमंत पेशवा ने नाना फडणवीस को भेजा है। प्रणाम। इनके साथ सिपाही भी हैं। इनके सामने तुम्हें उससे उगलवाना है कि वो जानको जी नहीं है, थोरात है। तुमने जो काम शुरू किया है ना, आज उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं तो पेशवा जी महाराज और सेनापति महाजी सिंधिया की दासी हूँ। चंपा भाई, हम बराबर के कमरे में रहेंगे। आज तुम्हारी कला देखनी है चंपा भाई। देखते जाइए महाराज, उंगलियों पर ऐसा नचाऊंगी कि जानको जी का बाना उतर जाएगा और वो नंगा सामने आ जाएगा। तूने तो मुझे पागल कर दिया, अब मैं तेरे बिना एक पल नहीं जी सकता। मेरी कमर तो छोड़िए, आपके जोरा जोरी में मेरी कमर पे मोच आ गई तो मैं नाचने से भी गई। अब से तुम नहीं नाचोगी, अब तुम्हें मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। रानी रानी कहते हो, अभी तक तो बनाया नहीं। अब ज्यादा देर नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हारा ये थोराट जानको जी बनकर सबके सामने आ जाजाएगा और बन जाएगा आगराज में का सूबेदार। फिर देखना, तुझे मैं अपनी रानी बना दूंगा। नीच पैरुपिये, जानको जी सिंधिया बन रहे थे। चंपा भाई, ये सब क्या है? उठिए सुबेदार जी, कहिए आगरा के कारागार में जाएंगे या अजमेर की? अच्छा, तो तू भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। दगाबाज, मक्कार, फरेबी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाना साहब,
चंपा बाई ने वाकई बहुत बड़ा काम किया। चंपा बाई, अभी तो हमारी तरफ से ये इनाम। सेनापति महाजी सिंधिया तुम्हारी वफादारी और हिम्मत से बहुत प्रसन्न होंगे। चंपा बाई धन्यवाद। अब तुम थुराट के मुकदमे की मुख्य गवाह बनोगी, तब हम तुम्हें श्रीमंत पेशवा माधवराव जी से भी मिलवाएंगे और इनाम भी दिलवाएंगे। इन्हें क्या हो गया है वैद्रा जी? चिंता की कोई बात नहीं है रानी साहिबा, हमारे राणा जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें नींद क्यों नहीं आती? भूख बंद हो गई है, दिल तेजी से धड़कता है, रात रात भर सर पकड़कर बैठे रहते हैं। चिंता, ये चिंता ही है जो महाराज को खाए जा रही है, और जब तक ये चिंता दूर नहीं होगी हमारे महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। सुन लिया आपने वैद्रा जी क्या कह रहे हैं? हमें मालूम है ये क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रही हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन हम क्या करें? हथियार डाल दें, अपना किला इन्हें सौंप दें, अपना सब कुछ इनके हवाले कर दें, अपने माथे पर हार खोद लें? हम मर जाएंगे लेकिन ये नहीं होने देंगे। मरे आपके दुश्मन, आप शांत हो जाइए। वैद्यराज जी। जी रानी साहिबा। आप इन्हें कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे इनकी चिंता दूर हो जाए, इन्हें नींद और करार आ जाए। मैं मोतियों की भस्म और कुछ औषधि भिजवाता हूँ, आप तनिक भी चिंता न कीजिए रानी साहिबा, बस कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि रघुनाथ राव जी ने जो 1.5 साल से किले की घेराबंदी कर रखी है वो खत्म हो जाए। और वो खत्म हुई नहीं कि हमारे राणा जी महाराज एकदम पूनम के चंद्रमा की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। आपके बोल सच हो मंत्री जी। जी रानी साहिबा। आप वैद्यराज जी के साथ किसी को भेज दीजिए और तुरंत दवाइयां मंगा लीजिए। जी। आप अजय हैं, रघुनाथ राव 20 बरस भी नाकाबंदी कर ले तो ना तो वो ये किला ले सकता है और ना ये राज, लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी है आप हैं। मैं आपको भीष्म पितामह की तरह चिंता के तीरों के शैया पे पड़ा नहीं रहने दूंगी, अब मैं कुछ करूंगी। नहीं महारानी, अभी हम जीवित हैं, हमारे चीते जी अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगी कि हमारी गर्दन शर्म से झुक जाए या हमारे किले पर किसी और का झंडा लहराए या इतिहास में यह लिखा जाए कि हम मराठों से जीतने की जगह अपनी चिंता से हार गए। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार जब महाजी सिंधिया चौथ के लिए आए थे तो आपने कहा था कि आप युक्ति से काम लेंगे, हम आपकी धर्म पत्नी, युक्ति हमें भी आ सकती है, अब हम उसी पे काम लेंगे। लेकिन आप करेंगी क्या? आप शायद भूल रहे हैं, एक आपका साला है और एक हमारा जीजा है, एक को हम हथकड़ी लगवा कर और दूसरे को मुश्के कसवा कर बुलाते हैं। राणा की तरफ से अब
शगुन अच्छा है। अब तो आपको कुछ करना ही होगा। राने कान अगर हमारे बस में होता तो लेकिन ये रघुनाथ राव का और तुम तो जानते हो कैसे और दूसरी तरफ राणा तुम्हें अच्छे और फिर हमारा उनसे रिश्ता भी है महाराज। रानी साहिबा मेरी बहन और आपकी साली हम जानते हैं हम इस रिश्ते का मान रखें। हमें अपने फर्ज की उन जंजीरों का एहसास है जिनसे हमारे कदम जकड़े हुए हैं। राने खान तुम मंत्री जी का स्वागत सत्कार करो और उन्हें इज्जत से हमारे पास ले आओ। ये क्या है? आप खुद ही देखिए। ये तो वही चीज है जो जमुना ने रानी साहिबा को भेजी थी और ये वही राखी है। हम समझ गए मंत्री जी, रानी साहिबा का संदेश हम समझ गए। इन उपहारों के जरिए उन्होंने हमसे बहुत कुछ कह दिया है। उनकी समझदारी और नफासत की जितनी भी दाद दी जाए कम है महाराज। वो हमसे इंसानियत और शराफत की आशा रखती हैं। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे महाराज। उम्मीद की एक किरण उधर फूटी है तो एक किरण इधर भी। मुझे इस घेराबंदी का हल नजर आने लगा है महाराज। राने खान हम जल्द ही रानी साहिबा से मिलेंगे। अरे हम तो बौखला ही गए थे। मंत्री जी इतने ठाट से आए और दो डब्बे लाए और उनमें भी क्या निकला, एक में राखी और एक में ओढ़नी। हमसे रिश्ता जोड़कर गए थे आप, इसीलिए अपनी रेशम की डोर से बांधकर बुलवा लिया ना आपको। हाँ भाई बिल्कुल, और देखिए हम चले आए कच्चे धागे से बंधे। हुक्म कीजिए आप। तुम्हारी इस बहन के हाथ थक गए हैं सेवा कर कर, अब हमें छुट्टी दो और अपने साले होने का धर्म निभाओ। वो किस तरह? इनकी परेशानी दूर कर। हम मानते हैं कि आपको जो परेशानी हुई वो हमारी वजह से है, लेकिन हमें जो परेशानी यहां लाई है वो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। हमें मालूम है, मंत्री जी ने हमें बताया कि हमसे सुलह सफाई करने के लिए रघुनाथ राव ने आपको मौत की सजा दे डाली। भगवान का शुक्र है कि बला टल गई। बला टली नहीं रानी साहिबा, अभी तक बादल वैसे ही मंडरा रहे हैं। आप मेरा एक काम करवा दीजिए। क्या? श्रीमंत रघुनाथ राव को यहां से विदा करवा दीजिए। नहीं माँ जी, वो यहां रहें या जाएं, मैं उन्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। आप हमारी बात नहीं मानेंगे, टाल देंगे। अरे आप ही की तो बात मान रहे हैं हम। आपने इनसे रिश्ते जोड़ लिए हैं, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि ये यहां से आधी या चौथाई चौथ लेकर जाएं। महाराज सही कह रहे हैं रानी साहिबा। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद मंत्री जी। बस श्रीमंत रघुनाथ राव को एक माकूल सी चौथ मिल जाए तो वो यहां से चले जाएंगे और हमको मौका मिल जाएगा कि हम शहंशाह शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली ले जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के कदम आगे बढ़ने से रोक सके। अगर बात देश को बचाने की है तो आप चौथ दे दीजिए, पर ये 40 लाख नहीं देंगे। तो कितने देंगे? 20 लाख।
तो हमें आपकी खुशी कबूल है। जी आप अपनी रकम ले लीजिए। जी वो महाराज ले लेना रानेकान, आज हम चौथ नहीं ले रहे हैं बल्कि रिश्तों की मार्फत जो फसल हमने उगाई है उसी की बहार हमें दे ले ले। अच्छा राणा जी महाराज धन्यवाद, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद राणा जी, चले आइए। क्या हाल बना रखा आपने, कुछ बताइए तो क्या हुआ। संन्यास ले लेंगे, साधु बन जाएंगे, इस दुनिया इस पेशवा राज्य से अब हमें कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं। हरे राम हरे राम। नहीं श्रीमान, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करें, बेइज्जती सहे कि हमारा भतीजा हमें यह पत्र लिखे और उसमें यह लिखे कि हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं, हमारे पीछे हमारा मंत्रिमंडल अहिल्याबाई को मल्हार राव का वारिस बना दे और अहिल्याबाई हमसे युद्ध करने को तैयार हो जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम अहिल्याबाई, बधाई के श्रीमंत पेशवा जी महाराज ने आपका हक मान लिया है, अब तो आप मालवा के सूबेदार हैं। क्या हुआ, हम तो सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद सूरज निकला है, आपकी मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। हमें कोई खुशी नहीं हुई। कैसे खुश नहीं है, रघुनाथ राव ने मुंह की खाई है और वो डर कर नासिक चले गए हैं। आपका गद्दार मंत्री चंद्रचूड़ भी आपकी कैद में है और आप श्रीमंत पेशवा जी के हुक्म से होलकर काका की सारी जायदाद की वारिस हैं। कैसे खुश नहीं है। हमारी खुशी अधूरी है इसलिए हमने कोई खुशी नहीं मनाई और नहीं मनाएंगे। लेकिन क्यों, अहिल्याबाई मैं मानता हूं कि गम है पर खुशी भी तो है, सच की जीत हुई है, नारी शक्ति के आगे एक लालची और घमंडी पुरुष का सर झुका है और फिर मालवा को आपके रूप में एक देवी मिली है। जब तक आप आगरा और अजमेर के सूबेदार नहीं बनेंगे मेरी खुशी अधूरी रहेगी, परिवार के सारे सम्मान संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। वो तारा नहीं चमकेगा जो उत्तरी हिंदुस्तान को चमकाएगा, तब तक हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। इंदौर में उसी दिन रोशनी होगी और तोपें चलेगी जब आप पुणे से सूबेदारी की पकड़ी और जरीपटका लेकर आएंगे। महाराज पुणे से जरूरी संदेश है। पुणे से? जी। जी ने तुरंत पुणे बुलाया है। क्या हुआ? पुणे पर हमला, श्रीमंत रघुनाथ राव पुणे पर हमला करने वाले हैं, मुझे आज जाना होगा। विजय पाकर आइए। धन्यवाद, आपकी अधूरी खुशी मैं जरूर पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। प्रणाम।
बना रहे हैं। बैठिए। हमारे निमंत्रण पर न्यायमूर्ति रामशास्त्री जी हमारे खास दरबार में पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस सम्मान के लिए मैं आभारी हूं। नाना फडणवीस जी, श्रीमंत, हमारे काका साहब रघुनाथ राव के खिलाफ अभियोग पत्र सुनाया जाए। जी श्रीमंत। श्रीमंत पेशवा माधवराव की सरकार श्रीमंत रघुनाथ राव पर आरोप लगाती है कि उन्होंने खुद पेशवा बनने के लिए मुंबई के गवर्नर को कई पत्र लिखे। एक पत्र पकड़ा गया और सरकार के पास प्रमाण के रूप में मौजूद है। निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, एक पत्र इस विषय में भी है। सारे नियम और कानून तोड़कर महाजी सिंधिया को मृत्युदंड सुनाया। सेनापति सखाराम बापू साक्षी हैं। सखाराम बापू, क्या यह सत्य है? जी श्रीमंत, और भी कई सरदार साक्षी हैं। आगे पढ़िए। देवी अहिल्याबाई पर आक्रमण करने गए, जिन्हें महाजी सिंधिया ने बड़ी समझदारी से बचा लिया। इस वक्त देवी अहिल्याबाई का पत्र सरकार के पास है। 20 लाख रुपए जो महाजी सिंधिया ने रंजनगढ़ के राणा से पेशवा खजाने के लिए लाकर दिए, उन्हें हड़प कर लिया। गुप्तचरों के लाए गए सूचनाओं के अनुसार वो अभी आनंदवली के किले में है और पुणे पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमंत पेशवा के विरुद्ध ये श्रीमंत रघुनाथ राव का खुला विद्रोह है। वो जो हमारे अपने हैं, हमारे काका हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमसे शत्रुता और बगावत कर रहे हैं। और एक महाजी सिंधिया है जो काका साहब के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मृत्युदंड के लिए तैयार हो गए। महाजी सिंधिया यह जानते हुए भी कि काका साहब उनके सबसे बड़े शत्रु हैं, सिर्फ हमारे आदेश पर उनके साथ युद्ध पर चले गए। महाजी सिंधिया के चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य से ऊंचा उठने का प्रयास किया है, परंतु काका साहब अपने कर्तव्य की ललकार से पीछे होते गए। वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊंचा समझते आए, लेकिन महाजी सिंधिया कानून की सीमा से दूर कभी नहीं गए। राम शास्त्री जी, जी श्रीमंत, काका साहब के साथ क्या व्यवहार किया जाए? उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, उन्हें अपनी सफाई का अवसर दिया जाए। हम अपनी सेना लेकर आनंदवली जाएंगे, परंतु पहले हम अपना दूत वहां भेजेंगे इस संदेश के साथ कि हम उनसे भेंट करना चाहेंगे, उनसे विनती करने के लिए कि वो अपने भतीजे के सर पर तलवार मारने के बजाय प्यार का हाथ रख दें, संबंध ना तोड़े, रिश्ते की लाज रखें। हमें उनको क्षमा करने का पूरा अधिकार है। हमको इस अधिकार का प्रयोग करते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। प्रणाम। आइए श्रीमंत। विराजिए श्रीमंत। हम एक अजीब मुश्किल में फंस गए हैं महात्मा। कभी कभी तलवार खून का रिश्ता भी काटने के लिए उठती है।
हमारे काका साहब ने पेशवा के गद्दी के लिए हमारे विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया है। जानता हूं श्रीमान, दौलत और हुकूमत के लालच में श्रीमंत रघुनाथ राव आंखें रखते हुए भी अंधे हो गए हैं। वो अकल के भी अंधे हैं। हमने उन्हें संदेशा भेजा था कि हथियार उठाने से पहले हथियार डालने की बात की जाए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जवाब यह भेजा कि अब युद्ध के मैदान में ही भेंट होगी। वो अपने भतीजे से युद्ध करना अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते, न सही, लेकिन आप तो अपने काका साहब से युद्ध करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध जरूर समझते हैं। इससे आप बड़े हो जाते हैं श्रीमंत और वो छोटे। श्रीमंत, आपने शांति के लिए अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप युद्ध के लिए भी कर्तव्य पूरा कीजिए। श्रीमंत रघुनाथ राव ने अपनी तबाही को खुद दावत दी है, आप ये दावत नामा कबूल कर लीजिए श्रीमंत। जी श्रीमंत, ताकि उनकी आंखें खुल जाएं और वो साफ देख लें कि उनके बिना भी आप पेशवा की गद्दी और मराठा राज्य की बागडोर संभाल सकते हैं, और हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि उनका रास्ता क्या होगा और उनकी मंजिल क्या होगी। निर्णय लेने में देर न कीजिए श्रीमंत, वरना निजाम और अंग्रेज अपने मतलब से उनकी मदद को पहुंच जाएंगे। महात्मा, हमसे ज्यादा आपने तलवारों के झंकार और तोपों की गरज सुनी है। आप वीरों के संग भी लड़े हैं और उनके विरुद्ध भी। आपका निर्णय हमारा निर्णय होगा। कदम उठाइए और काका साहब की सेना पर ऐसी गोलाबारी कीजिए कि उनकी ताकत राख हो जाए। श्रीमंत का आदेश सर आंखों पर, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक विनती करूंगा। श्रीमंत रघुनाथ राव लाख हमें पराया समझे, लेकिन हम उन्हें अपना समझेंगे। वो हमारे पूजनीय हैं। हम भी मराठे हैं और उनके सिपाही भी मराठे हैं। उनका नाश करना अपने भाई बंधुओं का नाश करना है। इसलिए श्रीमंत, हमें उनसे इस तरह से युद्ध करना है कि उनकी विजय भी ना हो और उनकी हानि भी कम से कम हो। हम आपसे सहमत हैं। आप जो रणनीति अपनाना चाहें अपना सकते हैं। हमें आपकी वफादारी, बहादुरी और समझबूझ पर पूरा विश्वास है और आपके सेवाओं पर गर्व है। यह मेरा सौभाग्य है कि श्रीमंत मुझसे सहमत है। अब हम आराम करेंगे। प्रणाम श्रीमंत। सलाम श्रीमंत। Thank you.
काका साहब का पीछा कीजिए, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जाकर छुपे, उन्हें गिरफ्तार करके लाइए। जी श्रीमान। महाजी सिंधिया, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम हमारी तबाही और बर्बादी का संदेशा लाए हो, हम स्वीकार करते हैं। अपनी सजाए मौत का बदला लेना चाहते हो, ले लो। इससे अच्छा अवसर तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। हमें इन जंजीरों में जकड़ कर ले चलो, एक बंदी बनाकर पेश करो पेशवा जी के दरबार में। हमारा जितना अपमान करना चाहते हो कर लो, हमें तुमसे यही आशा है। मैं आपको बंदी बनाने नहीं आया हूं श्रीमान। आपने खुद अपने आप को ऐसी जंजीरों में जकड़ रखा है जो आपको दिखाई नहीं देती। मैं उन जंजीरों को तोड़ने आया हूं। आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको तबाही और बर्बादी की ओर ले जाता है। मैं आपको रोकने आया हूं। आपने दूसरों के लिए जो कुआं खोदा उसमें आप खुद गिर गए। मैं आपको उस कुएं से निकालने आया हूं। मैं आपसे अपनी सजाए मौत का बदला लेने नहीं आया, आपकी मदद करने आया हूं। आपके लिए एक नया जीवन संदेश लाया हूं। तुम चाहते क्या हो? मैं आपको मान और सम्मान के साथ ले जाने आया हूं। और वो माधवराव, उसका व्यवहार हमारे साथ कैसा होगा? वो आपका कोई अपमान नहीं करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं श्रीमंत, आप मेरे साथ चलिए, चलिए। We'll be right back.
आंखों में अंधेरा, कमरे में अंधेरा, मेरे जीवन में अंधेरा। भाग्यवान, तुम्हें तो आदत सी हो गई है मुझे अंधेरे में रखने की। और आपको आदत हो गई है मुझ पर इल्जाम धरने की। हौसा भाई, दिए जलाओ, श्रीमन को कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। मैं सब समझता हूं आनंदी भाई, मुझे सब सुझाई देता है सब, लेकिन तुम जब मुझे गलत सलाह देती हो, भड़काती हो, बहकाती हो, तो मैं तुम्हारे प्यार में अंधा होकर तुम्हारी बात मान लेता हूं। बस घोर अंधेरा है, क्यों झूठ बोलते हो? सलाह मानी होती तो इस हाल को न पहुंचे। मनमानी करते रहे इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आगे की सोच। सोच तो लिया है कि इस नजरबंदी से निकलना है, माधव राव और महाजी सिंधिया से बदला लेना है और खुद मुझे पेशवा बनना है। बैठिए। आनंदवल्ली में विजय के लिए मैं, जनता, सरकारी कर्मचारियों और हम सब अहदेदारों की ओर से श्रीमंत पेशवा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। हम जनता और आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। हमारी विजय सत्य की विजय है और इस विजय का सेहरा महाजी सिंधिया के सर पर बांधा जाना चाहिए। महाजी सिंधिया की जय! महाजी सिंधिया की जय! महाजी सिंधिया की जय! जिस राज्य को महाजी सिंधिया जैसे सपूत की वफादारी और बहादुरी नसीब हो, उसे कोई चिंता हो ही नहीं सकती। न शत्रु उसका कुछ बिगाड़ सकता है और न विद्रोह उसे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वो शत्रु या विद्रोही, काका साहेब जैसा सेनापति ही क्यों ना हो, जो इस समय नजरबंद हैं और जिनको बाद में सजाए मौत दी जाएगी। श्रीमंत, ये पेशवा परिवार की इज्जत का सवाल है, मराठा राज्य की स्थिरता का मामला है, मराठा देश के भविष्य की बात है, हमारी परंपरा के टूटने और एकता के बिखर जाने का डर है। किसी अपराध के लिए कानून और इंसाफ सजा देते हैं, लेकिन कानून और इंसाफ तो श्रीमंत पेशवा के हाथ में है। आप सजा भी दे सकते हैं और क्षमा भी कर सकते हैं। श्रीमंत रघुनाथ राव हमारे पूजनीय हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए श्रीमंत, क्षमा कर दीजिए उन्हें। यह मेरी सलाह भी है और मेरी विनती भी। महात्मा, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन को क्षमा कर दिया जाए, तो हम भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन को क्षमा करते हैं। धन्यवाद श्रीमंत। विट्ठल जी थोराट को पेश किया जाए, जिसने जानको जी होने का दावा किया था, उसके माता पिता को भी लाया जाए। श्रीमंत, इस साजिश को आगे बढ़ाने वालों में से श्यामराव फड़के आनंदवल्ली के युद्ध में मारा गया और मीसा जी माने फरार हो। इस साजिश की गवाह नैतिकी चंपाबाई का बयान हाजिर है। Thank you.
यह है वो आदमी जिसने जानकोजी होने का दावा किया था। इसके माता पिता गवाही देंगे कि यह जानकोजी नहीं विट्ठल जी थोराट है। ना हमें गवाही देने की आवश्यकता है ना आप लोगों को। हम दंके की चोट पर मानते हैं कि हम जानकोजी सिंधिया नहीं थोराट हैं। आखिर हम इंसान हैं, सूबेदारी के लालच में आ गए थे। हमसे अपराध हुआ है श्रीमंत, बहुत बड़ा अपराध। भूल चुक तो हो ही जाती है, अब सूबेदारी तो क्या, अब हम चपरासी बनने का भी लालच नहीं करेंगे। मुझ पर दया करें श्रीमंत। दया तुम्हें भीख में भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे बहरूप के कारण महाजी सिंधिया को कितने तूफानों से गुजरना पड़ा है। न्यायमूर्ति रामशास्त्री जी। जी श्रीमंत। यह अपनी तरह का एक अनोखा मुकदमा है। हम आपकी आज्ञा और आपकी ओर से यह चाहेंगे कि थोरात का फैसला महाजी सिंधिया करें। हमें स्वीकार है। विट्ठल जी थोरात ने अपना अपराध मान भी लिया है और उनके माता पिता गवाह भी मौजूद हैं। महाजी सिंधिया अपना फैसला सुनाएं। मैं विट्ठल जी थोराट को क्षमा करता हूं। हम बड़े हर्ष के साथ ये ऐलान करते हैं कि महाजी सिंधिया को उनके स्वर्गवासी पिता श्री राणोजी सिंधिया का वारिस तस्लीम किया जाता है। वे मराठा राज्य के सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें आगरा और अजमेर का सरंजामदार और सूबेदार बनाया जाता है। सबसे पहले हम उन्हें बधाई देते हैं और उनको पगड़ी और तलवार प्रदान करते हैं। प्रणाम माँ।
भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैं जानती थी मेरा बेटा सूबेदार जरूर बनेगा। आपके धीरज ने आपके सिर पर कामयाबी का ताज रख दिया। बधाई हो। चलो आओ। चलिए। आओ बेटा। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं, अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं, प्रभु अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं और अपने देश की सेवा में अपना तन मन धन न्योछावर कर सकूं। मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे शक्ति दे। शहर में चारों तरफ खुशियां मनाई जाए, मिठाइयां बांटी जाए, यतीम और अनाथों को खाना खिलाया जाए, मंदिरों में भजन कीर्तन कराया जाए, मस्जिदों में शुक्राना अदा किया जाए। शहर में चारों तरफ चरागा हो, सेनापति सूबेदार महाजी सिंधिया के बुलंद इकबाल के लिए दुआएं की जाए। जाइए अपना अपना काम कीजिए, जाइए।
आशा लेकर आई तोहरे द्वार जी हो, थारी शरण में जो कोई आवे।